फ्रेमवर्क ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बिग डेटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज अपना स्पेसिफिकली जो सेशन है वो हडूप के ऊपर लेके, कि हडूप क्या है, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं हडूप के, और डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग और स्टोरेज क्या होता है, तो अपन हडूप की बात करेंगे, है ना। तो प्रॉपरली हडूप का इंट्रोडक्शन अपन आज करेंगे, और इसके बाद मैं आपको लिनक्स के कुछ वीडियो शेयर करूंगा। आई थिंक ऑलरेडी लिनक्स हो चुका होगा, बट बेसिक लिनक्स के मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो आपका 5 डेज है, नेक्स्ट 5 डेज में आपको लिनक्स के वीडियोस कंप्लीट करोगे, लिनक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, Rails 7 या 8 वाट एवर, और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा इंस्टॉलेशन का, हडूप इंस्टॉलेशन का, और इसे कम्प्लीटली आप इंस्टॉल करोगे। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा उसमें आपका हडूप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, टास्क रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इश्यू आता है, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में कन्वर्सेशन अपन कर सकते हैं। बट जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपका हडूप आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड हो जाना चाहिए बाय लिनक्स इंफॉर्मेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं हडूप के बारे में बात करना, कि हडूप क्या है और किस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहले मैं हडूप की बात कर लेते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन PPT कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग बताओगे मेरे को चैट के अंदर फटाफट कि क्या 3 बिग इश्यूज से अपने पास बिग डेटा को लेके, जिनको अपने को इंट्रोड्यूस करना है और जिनको अपने को सोल्व करने के लिए एक इनोवेटिव डिज़ाइन बनानी है, ताकि अपन उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें, है ना। सो व्हाट आर दी 3 बिग प्रॉब्लम्स वी हैव विद द बिग डेटा। ठीक है, तो कुछ आंसर्स अपने पास आए हैं, वॉल्यूम, स्टोरेज, वेलोसिटी। सो देर आर 3 प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज वॉल्यूम। वॉल्यूम इन द सेंस कि अपन इतना बड़ा डेटा स्टोर कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अपने पास स्टोरेज होता है कि ठीक है अपन 10 GB, 20 GB, 100 GB, 200 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, पर पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा अपने को स्टोर करने हैं तो अपने पास कोई भी हार्ड डिस्क अवेलेबल नहीं है जिसमें अपन पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकें। सेकेंड इश्यू अपने पास था, दैट इज कॉल्ड इज वेलोसिटी, कि वेलोसिटी ऑफ डेटा अपने पास जनरेट हो रहा है, यानी डेटा के जनरेशन की स्पीड क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो हमें ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहिए जो कि क्या हो, अडेप्टेबल हो या एजाइल हो, जिससे अपन क्विकली क्या कर सकें, चेंज कर सकें। एजाइल कीवर्ड यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे टूल्स को डिनोट करने के लिए जिनको आप बहुत क्विकली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड, है ना। जैसे पाइथन को अपन बोलते हैं कि पाइथन अजाइल लैंग्वेज है, तो कोई भी नया टूल आता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो पाइथन में आपका इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जल्दी और बहुत फास्ट मिल जाता है, और पाइथन उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है जो भी न्यू सिचुएशन है। तो वैसे ही वेलोसिटी में प्रॉब्लम क्या है, कि अगर डेटा की वेलोसिटी अपने को नहीं पता है, यानी किस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, तो उस डेटा को अगर अपने को प्रोसेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐसा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जो एजाइल हो, जिससे अपन स्केल अप भी कर सकें या स्केल डाउन भी कर सकें अपनी नीड के हिसाब से, तो वो उसमें इजी तरीके से अपन उसको मैनेज कर सकें। तीसरा अपन ने बात करा था वैरायटी ऑफ डेटा, यानी यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात करते हैं, कि डेटा जो अपन प्रोसेस करेंगे उसमें अपन, क्योंकि देखो अगर डेटा स्ट्रक्चर है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड होता तो अपन DBMS सिस्टम यूज़ कर लेते, और DBMS में अपन क्या पढ़ लेते, SQL वगैरह लैंग्वेज पढ़ लेते, तो एक SQL लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप आराम से क्या कर सकते थे, अपने डेटा की
प्री प्रोसेसिंग कर सकते थे। एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप डेटा साइंस की प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप बिग डेटा की प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो अपने होते हैं वो एसक्यूएल के ही ऑपरेशंस होते हैं। तो बेसिकली अगर एसक्यूएल स्ट्रक्चर डेटा अपने पास होता, सिर्फ अपन स्ट्रक्चर डेटा को मेंटेन कर रहे होते तो कोई इश्यू नहीं होता। अपन सारा काम किससे कर सकते थे? एसक्यूएल से कर सकते थे। सारा काम अपन डीबीएस मैनेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कर सकते थे कि हमें एज ए स्टोरेज डेटाबेस डिजाइन करना है और हमें प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमें डेटाबेस के लॉजिक से एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, प्री प्रोसेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट डेटा क्या होता है? वेराइटी में होता है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है, और जब भी अपन अनस्ट्रक्चर की बात करते हैं डेटा की, उसको प्रोसेस करने के लिए कोई टूल अपने पास, स्पेसिफिकली कोई टूल अपने पास नहीं होता है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर है तो फिक्स नहीं है कि डेटा किस तरह से, डेटा का पैटर्न क्या होगा, किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। तो वहाँ पे फिर अपनी एक एकमात्र क्या हेल्प रहती है? प्रोग्रामिंग अपनी हेल्प रहती है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको कंपटीशन के लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, है ना? और वो स्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करेगी, वो आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि आप कितने कंफर्टेबल हो स्क्रिप्ट लिखने में, और स्क्रिप्ट लिखने का जो पैटर्न रहेगा अपना, जो अपन प्रोग्राम लिखेंगे वो भी पूरा चेंज रहेगा, क्योंकि सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। पहले अपन, अभी तक अपन जो कंप्यूटिंग करते हैं वो होती है अपनी सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कंप्यूटिंग या सेंट्रलाइज कंप्यूटेशन सिस्टम्स। तो सेंट्रलाइज कंप्यूटेशन क्या होता है कि जैसे आपका लैपटॉप है और आपके लैपटॉप में आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो भी डेटा आपको प्रोसेस करना है पांडास के अंदर या पाइथन के अंदर, मशीन लर्निंग लगानी है या उसको डेटा को प्री प्रोसेस करना है, आप क्या करते हो? आपकी फाइल्स जो रहती है, डेटा फाइल्स जो रहती है आपकी, फाइल्स यानी आपका जो डेटा रहता है वो आपकी हार्ड डिस्क में रहता है, और आप जो प्रोसेस करते हो अपनी कंप्यूटर पर प्रोसेस करते हो, है ना? आपका जो भी कंप्यूटेशन डिवाइस है, इसे अपन कंप्यूट बोल सकते हैं, और बेसिकली कंप्यूट को अपन क्या बोलते हैं? कंप्यूट को अपन नोट भी बोलते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशंस अपन लेके चलेंगे, जैसे कंप्यूट या नोड क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स अपने पास आएंगे जिनको आज अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, बिग डेटा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक टर्म अपने लिया है कंप्यूट या फिर नोड। कंप्यूट या नोड का मतलब होता है आपके रिसोर्स से, ठीक है, आपके रिसोर्स से, और रिसोर्स का मतलब है जो आपका डेटा प्रोसेस करेगा, जैसे रैम हो गया आपके पास, सीपीयू हो गया, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होगी कि कितना डेटा अपन एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन को अपन नोड बोलते हैं। यानी नोड एक टिपिकल डिवाइस है जिस पे रैम लगी हुई है, जिस पे सीपीयूज लगे हुए हैं, और जिस पे नेटवर्क डिवाइसेस अटैच्ड है, और जो डेटा प्रोसेस कर सकता है, यानी जो भी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी, उसे क्या बोलोगे आप? कंप्यूट या नोड बोलेंगे। और इसी चीज़ को अपन सर्वर भी बोलते हैं, कि सर्वर भी बोल सकते हो आप कि एक सर्वर है जो डेटा प्रोसेस कर रहा है। तो अपन ये मानते हैं कि अपने पास सिस्टम में जो रैम, सीपीयू और नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, या नेटवर्क डिवाइस मतलब है बसेस वगैरह होती है, वो बसेस जो आपका डेटा लेके आएगी आपके फाइल से आपके सीपीयू तक, है ना? क्योंकि डेटा तो कहीं ना कहीं से ट्रेवल करेगा, तो आपके हार्ड डिस्क से आपकी रैम तक डेटा ट्रेवल करेगा, और फिर रैम से आपका सीपीयू क्या करेगा? उस डेटा को प्रोसेस करेगा। तो डेटा का रैम में आना जरूरी है। तो ये जो बसेस होती है, या ये जो अपने पास नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू अपन डेटा को फीड करते हैं अपने कंप्यूटेशन डिवाइस को, ठीक है, तो ये अपना नेटवर्किंग हो गया, कि ये इसको अपन नेटवर्क बोल देते हैं, चाहे वो फिजिकल नेटवर्क हो, चाहे बसेस हो, चाहे कुछ भी हो। नेटवर्क का मतलब है कनेक्शन, आपकी हार्ड डिस्क का आपके कंप्यूटेशन से कनेक्शन, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। तो इनकी भी स्पीड होती है, जैसे आप मार्केट में हार्ड डिस्क खरीदने जाओगे तो आपको 5000 RPM, 705000 RPM, या आप देखोगे अलग अलग RPMs की आपको हार्ड डिस्क मिलती है, जिनकी स्पीड अच्छी होती है, किसी की स्पीड बेकार होती है। ऐसे SSD खरीदोगे, उसमें आपको अलग अलग SSDs मिल जाएगी जिनके पास हाई डेटा ट्रांसफर की स्पीड्स होती है। तो बेसिकली वो नेटवर्किंग में अपन उसको काउंट करते हैं कि कितना फास्ट डेटा आप रीड और राइट कर सकते हो ना, ओवर द नेटवर्क, हाउ फास्ट यू कैन रीड एंड राइट योर डेटा। और जितना फास्ट राइट कर सकते हैं उतना ही कम टाइम अपने को प्रोसेस करने में लगेगा, क्योंकि 80% टाइम अपन कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं उसका 80% टाइम अपन कहाँ पे खर्च करते हैं? सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर, IO ऑपरेशंस। यानी इसका कहने का मतलब ये कि आप आधे से ज़्यादा टाइम किसमें खर्च करते हो? आपकी हार्ड डिस्क से फाइल रीड करने में, और वापस से जो रिजल्ट है उसको हार्ड डिस्क में राइट करने में, यहीं पे अपना मैक्सिमम टाइम खर्च होता है। और जो प्रोसेसिंग अपन करते हैं सीपीयू पे वो सिर्फ 20% होती है। तो इसमें जितना बेटर आपका नेटवर्क डिवाइस होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट अपने को मिलेगा, है ना? तो ये अपने IO ऑपरेशंस हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ कर निकल के आ रही है अपने पास, कि एक तो अपने पास स्टोरेज है, जैसे हार्ड डिस्क उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टोरेज, ये अलग चीज़ है। स्टोरेज यानी जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, ये आपकी हार्ड डिस्क हो सकती थी,
SSD हो सकती थी, हो सकता था कि आप कोई स्टोरेज सर्विस यूज़ कर रहे हो, जैसे अमेजन की S3 सर्विस होती है जो ऑनलाइन आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसे अपने पास ICSA सर्वर्स होते हैं जो कि इनको अपन सेम नाम जानते हैं कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये कुछ ऑनलाइन भी अपने पास डेटा अपन अपलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी बड़े सर्वर के ऊपर, या डेटाबेसेस अपने पास होते हैं, फाइल्स अपने पास होती है, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो। इन सबको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, कि कहाँ से आप डेटा स्टोर कहाँ पे कर रहे हो। और डेटा को प्रोसेस करने के लिए उस स्टोरेज डिवाइस को अपन कहाँ लेके आते हैं, उस स्टोरेज से डेटा अपन रीड करते हैं, और कहाँ पे लेके आते हैं, अपने कंप्यूटेशन डिवाइस पे लेके आते हैं जिसे अपन नोड बोलते हैं। और फिर आपका डेटा प्रोसेस होता है और फाइनल जो रिजल्ट होता है वापस जाके कहाँ पर राइट होता है, आपके स्टोरेज में जाकर राइट होता है। तो टिपिकली अगर अपन देखें कि अपने पास स्टोरेज इफिशियंट होना चाहिए, कंप्यूटेशन इफिशियंट होना चाहिए, तो कंप्यूटेशन को अपन नोड पे काम करेंगे और स्टोरेज के लिए अपन स्टोरेज सर्विसेज की बात करेंगे जो अपना वॉल्यूम है। और जब अपन कंप्यूटेशन बात करते हैं वो वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को अपन को प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे, स्क्रिप्ट को अपन रन करेंगे। तो जो अननेसेसरी डेटा अपना है उसको प्रोसेस करने के लिए जो स्क्रिप्ट आप रन करोगे वो आपके कंप्यूट पर रन होगी, आपके नोड पर रन होगी, और आपके डेटा को प्रोसेस करेगी। तो आपको इस हिसाब से मैं डिज़ाइन करना है सिस्टम, जो कोडिंग का तरीका रहेगा अपना वो डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में तो क्या होता था, एक ही कंप्यूटेशन डिवाइस होता है और उस कंप्यूटेशन डिवाइस पे आपकी हार्ड डिस्क अटैच होती है, आपको डेटा रीड करना होता है, आपसे लिखते हो कि यार ठीक है FP इक्वल्स टू ओपन दिस फाइल, और आप कोड लिख देते हो कि मेरे को ये फाइल प्रोसेस करनी है। आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है क्योंकि डेटा आप एक ही जगह से रीड कर रहे हो, एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हो, और वहाँ से डेटा एक ही सिस्टम पे वापस राइट कर रहे हो। और इसको सेंट्रलाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना जो सर्वर है वो सेंटर पॉइंट है। डेटा कहीं पर भी हो, पहले डेटा को कहाँ लेके आना पड़ेगा, अपने सर्वर पे लेके आना पड़ेगा, सर्वर डेटा को प्रोसेस करेगा और वापस से कहाँ राइट करेगा, अपने अपने फाइल्स में या आपके स्टोरेज में राइट कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटेशन सिस्टम, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो अपन बाई डिफॉल्ट यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड वे ऑफ कंप्यूटेशन है अपना। लेकिन अब ये चेंज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हाई वॉल्यूम डेटा अपने पास आएगा, और हाई वॉल्यूम डेटा अपने पास आएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अपन उस डेटा को एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकें या किसी भी सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम में स्टोर कर सकें। तो अपने को जो वॉल्यूम है उसको स्टोर करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर डेटा को स्टोर करने का तरीका चेंज हो गया तो उसको प्रोसेस करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, वरना इट विल टेक फॉर एवर टू कंप्यूट ए पर्टिकुलर टास्क। तो इसके हम बात करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। सेंट्रलाइज के अंदर अपने बात करें, कोई डाउट नहीं किसी को? चलो आगे चलते हैं फिर, बिना टाइम वेस्ट करें अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम को कैसे डील करेंगे। अब देखो, वॉल्यूम को डील करने के लिए अपन बात करें तो अपने पास काफी बड़ा डेटा अपने पास आने वाला है, तो अपन एक सिस्टम तो यूज कर नहीं सकते, अपने को मल्टीपल सिस्टम यूज करने पड़ेंगे। तो जो अपना स्टोरेज है डेटा स्टोर करने के लिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो स्टोरेज ही है कि डेटा स्टोर कैसे करेंगे, इतने बड़े वॉल्यूम को स्टोर कहाँ पे करेंगे। जो अपना सेंट्रलाइज स्टोरेज होता था, सेंट्रलाइज यानी एक मेन डेटाबेस है या एक मेन अपना वेयर हाउस है, एक मेन हार्ड डिस्क है, वहीं पे अपन सारा सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं और वहीं से अपन सारा डेटा रीड कर रहे हैं। तो पहले इस तरह से अपन डेटा स्टोर कर लेते थे सेंट्रलाइज के अंदर। लेकिन अब डेटा का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ना अपने पास, कि अपन एक हार्ड डिस्क खरीद ही नहीं सकते जिस पर अपन अपना हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर कर सकें। तो गूगल ने क्या किया था, गूगल ने सबसे पहले सोचा कि यार ये तो प्रॉब्लम है, डेटा तो डेली बढ़ रहा है, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि यार आने वाले टाइम में तो और डबल स्पीड या ट्रिपल स्पीड से डेटा बढ़ेगा, क्योंकि कंप्यूटेशन चीप हो जाएगा, इंटरनेट और ज़्यादा चीप हो जाएगा, सब जगह फैल जाएगा, ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे, डिजिटल मार्केट अपना ग्रो करेगा। तो अगर अपने इसकी बात करें कि इस तरह से अपना सिचुएशन अपनी इस तरह से चल रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है अपने को, कि अपने का स्टोरेज इस तरह से होना चाहिए कि अपने उसके स्केल कर सके, क्या कर सके, स्केलिंग इजीली हो सके। स्केलिंग का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं पहले, स्केलिंग समझने के बाद में आपको बिग डेटा का रोल समझ में आएगा। देखो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आज मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, मैं अभी अपने फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है कि IT में क्या होता है, कंप्यूटेशन क्या होता है वगैरह वगैरह। ये जो सिस्टम था ये बेसिक सिस्टम मैंने लिया, 8 GB रैम थी इसमें, और ये मेरा CPU था ना, लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये मेरा CPU मैंने खरीदा, कि 8 GB रैम थी उसमें और एक i3 प्रोसेसर था, i3 4 कोर CPU था, 4 कोर्स थे उसमें, वो CPU मैंने खरीदा। मेरे को लगा कि मेरा काम बन जाएगा,
इनिशियली मेरा काम बन भी रहा था क्योंकि मेरी डिमांड क्या थी, काफ़ी कम थी। मैं या तो थोड़े छोटे मोटे गेम खेलता था या फिर छोटी मोटी प्रोग्रामिंग करता था, सी प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो उसमें अपने को इतने ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा रिसोर्स यहाँ पे ओके पे कर लिया। इट्स अ वेरी सिंपल रिसोर्स, मेरा काम चल रहा है। लेकिन जैसे मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाऊँगा, मेरी डिमांड्स बढ़ने लगेगी क्योंकि मैं कंपटीशन करने लगूंगा। मेरे को लगेगा यार अब मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज छोड़ के जावा लैंग्वेज पढ़ने लग गया, उसके लिए भारी भारी सॉफ्टवेयर आते हैं, इक्लिप्स वगैरह, या एंड्रॉयड पे मैं काम करना चाहता हूँ तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मेरे को इतने सारे काम करने हैं तो मेरा 8 GB में काम नहीं हो पा रहा है और ना ही मेरा i3 प्रोसेसर पर काम चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी सिस्टम को अपग्रेड करने की सोचूंगा कि यार मेरा पास, मैं दोबारा से एक नया CPU बनाऊँ, डबल मनी वेस्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसी CPU को थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे। सेम CPU में मैं एक 8 GB रैम और लगा दूंगा, तो मेरा जो टोटल रैम है वो कितनी हो जाएगी, 16 GB रैम हो जाएगी। और मैं i3 CPU को रिप्लेस कर दूंगा किससे, i5 CPU से रिप्लेस कर दूंगा। मार्केट में जाऊंगा, i5 CPU खरीदूंगा, क्या i3 से डिमांड मेरी i5 पे स्विच हो चुकी है। और i5 में अपना अभी 6 Core CPU चल रहे हैं, तो मैं 6 Core CPU ले लूँगा कि मेरा काम बन जाना चाहिए। 6 Core CPU पर अपना काम बन जाएगा। तो मैंने अपना रिसोर्स अपग्रेड कर दिया, मतलब उसी एग्जिस्टिंग, मेरा मदरबोर्ड सेम है, मेरा बाकी सब सारा सिस्टम सेम है। मैंने सिर्फ क्या किया है, अपने रिसोर्स को अपग्रेड किया है। और ये जो अपग्रेडेड रिसोर्स है, इसकी इसमें मेरे पास क्या हो गया, 16 GB रैम होगी और i5 6 Core CPU मेरे पास अवेलेबल हो गया। तो मेरा कंपटीशन बढ़ गया और मेरे सेकेंड ईयर की डिमांड्स क्या होगी, फुलफिल होगी, कि मैं अपना सेकेंड ईयर आराम से निकाल सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैं मेनली एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह चला रहा हूँ या थोड़े हैवी वेट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, अगर फोटो डिजाइनिंग कर रहा हूँ, फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि सेकेंड ईयर में मैं तब प्रोफेशनल नहीं बनाऊँ, मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी कम है, जो डिमांड है कंपिटिशन की वो काफ़ी कम है। सो इट विल वर्क, ठीक है। लेकिन अपन तो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहेंगे, तो इसका मतलब है सेकेंड ईयर से अपन थर्ड ईयर में आएंगे, अपन ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी तरफ एम करेंगे। जैसे अभी अपन बिग डेटा पढ़ रहे हैं, तो आप बिग डेटा पढ़ रहे हो तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप बोलोगे यार मेरे को तो बड़ा सिस्टम चाहिए। क्योंकि या बिग डेटा भी छोड़ते हैं अपन, तो अपन बात कर सकते हैं, आपको मशीन लर्निंग आप पढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे यार मशीन लर्निंग में मेरा काम CPU से तो नहीं बनेगा, मेरे को ग्राफिकल प्रोसेसिंग करनी है, डीप लर्निंग पढ़नी है, और डीप लर्निंग के लिए क्या चाहिए अपने को, GPU चाहिए। तो आप सोचोगे यार मेरे को एक ग्राफिकल GPU की नीड पड़ेगी, तो मेरे को कम से कम 1060 GPU चाहिए NVIDIA का, ठीक है, GeForce GTX 1060 GPU मेरे को चाहिए। तो वो मेरे को लगाना पड़ेगा, उसकी रैम लगभग 16 GB होनी चाहिए GPU की, ताकि मैं इजीली मेरे मॉडल्स को ट्रेन कर सकूं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स को। और 16 GB रैम चलो चल जाएगी अपनी, लेकिन अगर मेरे को बिग डेटा की मशीन्स भी चलानी है, मेरे को पैरेलल कंप्यूटिंग करनी है, मेरे को क्लस्टर बना के काम करना है, बिग डेटा प्रोसेसिंग करनी है, तो 16 GB रैम में मेरा काम नहीं होगा। मैं 15-20 मशीनें बनाना चाहता हूँ सिस्टम में, एक मशीन को मैं 2 GB रैम भी दूंगा तो 10 मशीन के लिए मेरे को कम से कम 20 GB रैम चाहिए, अगर मैं 10 मशीन्स भी बनाना चाहता हूँ अपने सिस्टम में, तो ये रैम मेरे लिए सफिशियंट नहीं होगी, मेरे को 32 GB रैम करना पड़ेगा। उसके बाद i5 सब CPU तो कैपेबल नहीं होगा इतनी रैम को और इतने हाई कंपटीशन को प्रोसेस करने के लिए, तो मैं i7 पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं 9 Core CPU या 10 Core 12 Core CPU में अडोप्ट करूँगा। तो अपने क्या किया, 12 Core CPU अपन ने यहाँ पे अडोप्ट कर लिया i7 का। तो अगेन मैंने सेम सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, तो मेरा काम चल रहा है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है, ये जो स्केलिंग होती है इट इज़ नोन एज वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसी में आप चीज़ें चेंज करते जा रहे हो, तो इसको अपन बोलेंगे वर्टिकल अपग्रेडेशन अपन बोलते हैं, और इसकी वजह से आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है? अब इसकी अगर अपन ड्रॉबैक की बात करें कि वर्टिकल स्केलिंग का ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक क्या है कि हालांकि मैंने सब कुछ लिख तो दिया है, पर मैंने मदरबोर्ड कब खरीदा था, मैंने मदरबोर्ड खरीदा था इस टाइम पे, मानो 2016 की मैं बात कर रहा था, 2017 में मैंने ये सारा काम किया, 2018 में मैंने सारा ये काम किया, ठीक है। तो 2016 का जो मेरे पास मदरबोर्ड था, 2016 की जो टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैंने मदरबोर्ड सेलेक्ट किया था। मैंने सिर्फ रैम और CPU बढ़ाया है,
मैंने मदरबोर्ड चेंज नहीं किया है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं आपका, आपके पास वाईफाई कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने पास, इनपुट आईओ पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी सी। मेरे 2016 में मेरे पास यूएसबी सी टाइप नहीं था, तो मेरा चल रहा था क्योंकि यूएसबी सी इतना पॉपुलर नहीं था। आज मेरे पास यूएसबी सी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो डिमांड्स अपनी चेंज होती जा रही है। दूसरी बात क्या है कि वर्टिकल स्केलिंग, चलो ये भी अपन छोड़ दें एक साइड, कि मेरे को सिर्फ कंपटीशन से मतलब है, तो अगर अपन वर्टिकल स्केलिंग भी कर रहे हैं तो देयर इज़ ए लिमिट, कि उस लिमिट के बियॉन्ड आप क्या नहीं कर सकते हो, अपने सिस्टम को स्केल नहीं कर सकते हो। मैं सोचो कि अब मैं इसको 64 GB का बनाना चाहता हूँ आगे जाके, ठीक है, मैं फोर्थ ईयर में आ गया, फाइनल ईयर में आ गया, और मेरे को बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, मेरे को मेगा प्रोजेक्ट्स होस्ट करने हैं, मैं अपना सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, ओपन स्विफ्ट पढ़ना चाहता हूँ, ओपन स्टैक बनाना चाहता हूँ मेरे सिस्टम को, मैं खुद का क्लाउड सर्वर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को 64 GB रैम की नीड पड़ेगी, ठीक है। अब ये काम मैं अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जो सिस्टम है या जो सीपीयू मेरा है वो 64 GB रैम को सपोर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ 32 GB रैम तक सपोर्ट करता है या मैनेज कर सकता है। और इससे ऊपर i7 12 कोर CPU मैंने लिया, जो सबसे हाई एंड CPU था, यहाँ पे मैं i9 12 कोर तक जा सकता हूँ या i10 जो भी लेटेस्ट CPU है उसकी मैं हाईएस्ट कोर तक जाऊँगा, लेकिन वो भी मेरे लिए सफिशियंट नहीं है मेरे काम को देखते हुए, क्योंकि मेरा काम जब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैं उसको भी अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा जो अपग्रेडेशन वाला लॉजिक है ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वी कैन नॉट अपग्रेड बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट, और उस पॉइंट के आगे अगर अपन अपग्रेड नहीं कर सकते तो फिर अपन कंप्यूटेशन में क्या हो जाएगा, अपने पास स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना, स्पीड स्लो ना पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज अगर मैं ये बोलूँ कि 8 GB रैम का सिस्टम है, मॉनली रैम की बात कर रहे हैं अपन, मैं यहाँ पे कुछ डेटा दे रहा हूँ इसको, 1 TB का डेटा दे रहा हूँ, और ये 1 GB डेटा को 1 सेकेंड में प्रोसेस कर लेता है। अगर मैं इसको 2 GB डेटा दे दूंगा तो डेफिनेटली इसको 2 से ज़्यादा सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड में प्रोसेस करने की ट्राई करेगा उसको, क्योंकि क्या हो गया अपने पास रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है। अब अगर मैं वापस से 1 सेकंड में प्रोसेस करना चाहता हूँ डेटा, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना CPU अपग्रेड, अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं इसको 16 GB सिस्टम बनाऊंगा, 16 GB पे हो सकता है कि वापस से मेरे को सेम परफॉर्मेंस दे दे, 2 GB के ऊपर भी मेरे को 1 सेकंड के अंदर डेटा प्रोसेस करके दे दे, पर आगे सपोज करो मेरा डेटा की जो रेट है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ के 4 GB हो गया, 4 GB वॉल्यूम को 16 GB सेम 1 सेकंड में प्रोसेस नहीं कर सकता है, उसको 4 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस सिस्टम को और अपग्रेड करना पड़ेगा 32 GB। लेकिन हर बार आप सिस्टम अपग्रेड कर रहे हो आपकी परफॉर्मेंस सेम रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, ये जो डेटा की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अपना काफ़ी स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो, अपने कल बिग टाइम बात करी थी कि जो वॉल्यूम ऑफ डेटा है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिस स्पीड से आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है उस स्पीड से आप अपना रिसोर्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, और अगर आप रिसोर्स इंक्रीज़ करोगे वर्टिकल स्केलिंग के थ्रू तो भी आपके पास क्या रहेगी, लिमिटेशन रहेगी, क्योंकि अपने सिर्फ रैम सीपीयू की बात कर ली, डेटा इनपुट आउटपुट की तो रेट होती है, डेटा इनपुट आउटपुट भी तो टाइम लगाता है, और उसमें जो टाइम लगेगा, जैसे 1 सेकंड आप प्रोसेस कर रहे थे 1 GB को, 16 GB बढ़ाने के बाद 2 सेकंड में आप 1 सेकंड में आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे डेटा को, आपको 2 सेकंड तक जाना ही पड़ेगा। और अगर अपने इसको बहुत हाई स्केल करते हैं तो ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होकर इतना टाइम हो जाएगा कि अपने कोई टास्क रन करने के लिए बोला डेटा पे, 1 घंटे तक अपन वेट कर रहे हैं कि वो मेरा टास्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम लग जाता है अपने पास। तो फिर सॉल्यूशन क्या है अपने पास, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपने पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो जो बिग डेटा काम करता है अपना वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे काम करता है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। स्केलिंग की बात करें अपन पहले ना, तो वर्टिकल स्केलिंग पढ़ी है अपने, अपन पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जो हडूप काम करता है वो काम करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के ऊपर। ये आइडिया, इस आइडिया में क्या था कि आज आपकी डिमांड कम है तो आपने क्या लिया, एक चीप लैपटॉप खरीदा 8 GB का i3 प्रोसेस पे, लेकिन इसकी जो लिमिट थी 4 कोर, ये काफ़ी सस्ता से CPU आपको पड़ा 20,000-25,000 रुपये का। अगर आप इसी में i5 खरीदते, 16 GB खरीदते, तो वो आपको पड़ता लगभग 60,000 रुपये का, ये पड़ा आपको 20,000 रुपये का, ठीक है। तो कॉस्ट कम थी तो आपने ले लिया, लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप अपग्रेड क्या कर सकते हो, एक नया सिस्टम और ख़रीद सकते हो 20,000 रुपये का, 8 GB i3 4 कोर CPU, ठीक है। तो इसमें स्केलिंग कैसे करते हैं अपन, कि 16 GB चाहिए तो मैंने एक और सिस्टम ऐड कर दिया, मेरे को और इंक्रीज़ करना है, मैंने एक और सिस्टम ऐड कर दिया, मैं ऐसे सिस्टम ऐड करते जाऊंगा, ऐसे अपन कंप्यूट्स ऐड करते जाएंगे, और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। बस फ़र्क इतना सा है कि अपने को इस तरह से एक लॉजिक डिज़ाइन करना पड़ेगा कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके
काम कर सकें, एज ए सिंगल यूनिट काम करें। ऐसा नहीं लगे कि अपन चार अलग अलग सिस्टम पे या 10 अलग अलग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा लगे एज ए क्लाइंट, ऐसा लगना चाहिए कि आप एक ही सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और वो आपका काम करके आपको रिटर्न कर रहे हैं। आप किसी प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पर आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है। सिंगल रिक्वेस्ट, सिंगल रेस्पॉन्स। जो क्लाइंट साइड पे अपना जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए। तो आपकी ये अपना बैकएंड है, सर्वर साइड है। सर्वर साइड पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक इट आउट कि मेरे को किस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को इस तरह से एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जो बहुत सारे सिस्टम्स को मेंटेन कर सके, है ना, उनको मैनेज कर सके, उनको एक साथ पैरेलली प्रोसेस करा के रिजल्ट दे सके। बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का तो सिर्फ इतना सा मीनिंग होता है कि आप क्या नहीं करते हो, आप सेम मशीन को अपग्रेड नहीं करते हो। अगर आपको अपग्रेड करना है, आप एक नई मशीन अटैच कर देते हो। ठीक है, आपको और अपग्रेड करना है, आप एक नई मशीन अटैच कर देते हो। और इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि आप कितनी भी मशीन अटैच कर सकते हो, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी। जैसे वर्टिकल स्केलिंग में अपने पास लिमिट आ रही थी कि यार इस पॉइंट के बियॉन्ड मैं उसको स्केल नहीं कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्केल में आप 1,000 मशीनें, 2,000 मशीनें, 50,000 मशीनें ऐड करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। ठीक है, जितनी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, आप एक और मशीन ऐड करते जाओगे और आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो पहला जो कंसेप्ट होता है अपना हडूप का, होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। लेकिन इसमें एक इशू भी आपको दिख रहा होगा कि यार इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे सिस्टम्स को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। कंपटीशन का तरीका बदल जाएगा, स्टोरेज का तरीका भी बदल जाएगा। अब दोनों सेंट्रलाइज नहीं रहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है, कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। तो कंप्यूटिंग भी अपनी क्या होगी, अपन जो प्रोसेसिंग करेंगे डेटा की वो डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, और जो अपन डेटा को स्टोर करेंगे स्टोरेज वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी डेटा को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। जैसे अपन बोल रहे हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पहले बता दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग में कुछ पूछना है आपको तो वो यहाँ तक के डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं हडूप की, कि हडूप में कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करते हैं, कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज करते हैं। कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो आगे चलें, फिर बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट दी वॉल्यूम। अपन वॉल्यूम पे बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा स्केलिंग के बारे में आपको बता दिया ताकि ये क्लियर हो जाए अपने पास कि बिग डेटा में अपन लिमिट्स नहीं होती अपने पास, अपन लिमिट के आगे काम कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे हाई वॉल्यूम डेटा की, जो कि बिग डेटा की सबसे पहली प्रॉब्लम है, और उसको प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने को स्टोरेज चाहिए। डेटा कहाँ पर स्टोर करेंगे? अपन यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अभी तक जो स्टोरेज था वो अपना सेंट्रल था, जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव अपना क्या है, सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम में। कैसे? जैसे आपने 16 GB की पेन ड्राइव खरीदी, उस 16 GB की पेन ड्राइव में आपको डेटा स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि देखो, डेटा पेन ड्राइव आप इस तरह समझ सकते हो कि जो भी आपके हार्ड डिस्क डिवाइसेज होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि अपने पास चंक्स ऑफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अपन चंक्स में ब्रेक कर देते हैं और अपन कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसा मान सकते हो जैसे जयपुर है या अहमदाबाद है, तो पूरा का पूरा जो सिटी है वो आपकी हार्ड डिस्क है, और जो घर बने हुए अपने पास वो क्या है, सेल्स है, मेमोरी सेल्स है, जहाँ पे अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस रहते हैं। अब जितना बड़ा एरिया होगा और जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतने ज़्यादा लोग उस एरिया में रह सकते हैं, है ना। या तो एक सिंगल सेल हो जिसपे एक फैमिली रह सकती है, या फिर एक ही मकान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, तो एक ही उस सेम सेल के ऊपर अपने मल्टी लेयर बिठा रखी है, तो अपन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से अपनी हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, मैनेज होते हैं, उनके अंदर मेमोरी सेल्स होती है और बहुत बड़े एरिया पे वो फैली हुई होती है। और फिर अपन एक लॉजिकल रीडिंग राइटिंग हेड के थ्रू क्या करते हैं, उसमें डेटा राइट करवाते हैं या रीड करवाते हैं। तो ये पूरी हार्ड डिस्क मूव कर रही होती है, और ये जो अपना रीडिंग राइटिंग हेड होता है
RW हेड, ये क्या करते हैं डेटा रीड या राइट कर पाते हैं इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर से, सेल्स के अंदर से डेटा रीड करता है या उनको राइट करता है। SSD में और ईजी होता है कि SSD में तो अपने पास क्या होते हैं, सीधे सेमी कंडक्टर्स होते हैं तो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इस तरह से अपने पास आर्किटेक्चर होता है कि बहुत सारी सेल्स हैं और इनको मैनेज करने के लिए अपने पास क्या होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, लॉजिक गेट्स के थ्रू अपन क्या करते हैं डेटा को प्रोसेस करते हैं। वो स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो उसको अपन डिटेल में जा रहे हैं, पर डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए कि आप स्टोरेज के बारे में पढ़ो थोड़ा जाके कि स्टोरेज क्या होता है ना, एक्सप्लोर दी स्टोरेज, हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, SSD काम कैसे करती है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे हार्ड डिस्क डेटा स्टोर होता है या कैसे आपके SSD के अंदर डेटा स्टोर होता है, कैसे रिट्रीव होता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है। इसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको थिंग्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे काम हो रहा है अपना। बट अभी अपन फटाफट आते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये अपना एरिया मानते हैं अपन, इसमें आप कहीं भी फाइल सेव कर दोगे तो फाइल तो अपन कहीं भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फाइल सेव करी यहाँ पे, दूसरी फाइल मैंने यहाँ पे सेव करी, तीसरी फाइल मैंने यहाँ पे सेव करी, तीन फाइल्स अपन ने इसमें स्टोर करी है। तो स्टोर करना प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेटा राइट करना था, आप डेटा कहीं पर भी राइट कर दिया, आपने सोचा नहीं। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ फाइल राइट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं उस लोकेशन पर राइट कर दूँ जहाँ पे पहले से क्या रखा हो, डेटा रखा हो, तो क्या करेगा एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को ओवरराइट कर देगा। तो पहला इशू तो ये है कि मैं इसे बिना सोचे समझे राइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मैं एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को कहीं पे ओवर राइट ना कर दूँ। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि राइट करते टाइम तो आप कहीं भी राइट कर दो, लेकिन जब रीड करने की बात आएगी, आपको डेटा वापस एक्सेस करना है, आपको रीड करना है डेटा, आपको रीड ऑपरेशन चाहिए, तो रीड ऑपरेशन में आप बोलोगे यार मेरे को तो ये वाली फाइल चाहिए, पर आपको इसकी लोकेशन नहीं पता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी हार्ड डिस्क सर्च मारनी पड़ेगी शुरू से लेकर लास्ट तक इस फाइल को सर्च करने के लिए। और हर फाइल को सर्च करने के लिए आप ऐसा काम करोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, है ना। एक फाइल को रिट्रीव करने के लिए पता चला कि 1 घंटे वेट कर रहे हैं, फाइल पे क्लिक किया अपने डबल ओपन करने के लिए और वो फाइल 1 घंटे बाद अपने ओपन होती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो कि आप कहीं पे भी राइट नहीं करो, आप किसी फाइल को एक्सीडेंटली ओवर राइट नहीं करो, तो इसके लिए अलग से क्या जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज सॉफ्टवेयर, है ना, या स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्टोरेज एक अलग प्रॉब्लम है तो स्टोरेज के लिए अपन अलग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और इसीलिए होता क्या है कि अपन उसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। तो अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम काफ़ी लोग बोलते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हो, फाइल सिस्टम बोल सकते हो या फिर आपको स्टोरेज सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, कि अपना स्टोरेज लॉजिक है कि किस तरह से अपन स्टोरेज को मेंटेन करेंगे। अभी फाइल सिस्टम क्या होता है, इसका बहुत सिंपल रोल होता है, ये आपका क्या करता है कि जो आपके हार्ड डिस्क है उसको लॉजिकल ब्लॉक्स में ब्रेक कर देता है, बोलता है कि जितनी सेल्स हैं उनको मैं हर सेल को एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, रोज बना देता है, कॉलम बना देता है, बोलता है कि हर सेल की मेरे पास एक एंट्री है। ठीक है, आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है इस हार्ड डिस्क के अंदर, तो वो फाइल अपलोड करोगे आप कहीं पर, उस फाइल की इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए, उस फाइल जैसे आप फाइल अपलोड करोगे तो आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क में अपलोड नहीं करोगे, आपको जो भी ऑपरेशन करना होगा वो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे। आपको हार्ड डिस्क में कुछ भी राइट करना है, कुछ भी रीड करना है, आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क से बात नहीं करोगे, आप इस फाइल सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर से बात करोगे अपने रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए। और ये फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक टेबल मेंटेन करेगा जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन टेबल, और उस टेबल के लिए अपन फाइल सिस्टम भी बोलते हैं, कि फाइल सिस्टम में अपना अपन पढ़ते हैं ना पाथ, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर अपन पढ़ते हैं। जैसे आप लिनक्स की बात करोगे तो स्लेश अपना क्या है, मेन रूट फोल्डर होता है, यानी कि जो टेबल है इस टेबल में बोलता है कि यार स्लेश फोल्डर रखा हुआ है अपना, जिसके अंदर सारे फोल्डर्स होंगे, फिर उसमें अपने सब फोल्डर्स होते हैं, कि स्लेश में बिन फोल्डर है, एस बिन फोल्डर है ना, यूज़र फोल्डर है, होम फोल्डर है, ऐसे बहुत सारे फोल्डर होते हैं, और फोल्डर्स के अंदर अपने पास फोल्डर होते हैं। अगर आप इससे रिलेट नहीं कर रहे हो तो सी ड्राइव देख लो, कि विंडोज़ में सी ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स भी होता है, विंडोज़ भी होता है, यूजर्स फोल्डर भी होता है, यूजर्स के अंदर आपका सचिन फोल्डर जो यूज़र है उसका फोल्डर होता है, फिर उसके अंदर डेस्कटॉप वगैरह फोल्डर्स होते हैं। तो अपन हमेशा ऐसे बात क्यों करते हैं कि अपन सी से क्यों बात करते हैं कि कौन से पाथ पे जाना है, कौन सी फाइल रीड करनी है, अपन स्लेश से बात करते हैं कौन सी फाइल रीड करनी है, कौन सी लोकेशन पे जाना है, इनको अपन बोलते हैं फाइल सिस्टम्स। क्योंकि अपन जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, फाइल सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अपने एक टेबल मेंटेन रखते हैं कि आपका पाथ कौन सा है, उस पाथ पे फाइल्स की इन्फॉर्मेशन रखता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल कि उसकी साइज़ कितनी है, फाइल किसने क्रिएट करी थी, ठीक है, किस पाथ पे आपने फाइल सेव करी है। पाथ मतलब एक आइडेंटिफायर होता है, हर पाथ तो वैसे आइडेंटिफायर नहीं होता है, आइडेंटिफायर कौन होता है, अपने पास आईडी होती है, इसको हम बोलते हैं आईनोड नंबर, हर एक फाइल का एक नंबर होता है उसे बोलते हैं अपन आईनोड नंबर। ठीक है, उस आईनोड नंबर पे किस पाथ के है जिससे आप रीड करोगे फाइल, वो आपके लिए पाथ आपके लिए होता है, यूजर्स के लिए होता है, ताकि अपन इजीली फाइल्स को मेंटेन कर सकें। और फाइल कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि साइज़ क्या थी,
कब क्रिएट करी गई थी फाइल, किसने क्रिएट करी, फाइल पे क्या क्या परमिशंस हैं, फाइल किस फाइल का मतलब क्या क्या ऑपरेशन आप फाइल पे कर सकते हो, ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है फाइल के बारे में, फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, वो अपन यहाँ पे इस टेबल में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने सेडेड एरिया बनाया है, इसीलिए जब आप देखते हो ना पेन ड्राइव्स को, आपको 14.5 GB यूजेबल मिलते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट रहते हैं वो हार्ड डिस्क में आपको यूजेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उस एरिया में क्या स्टोर होता है, आपका फाइल सिस्टम स्टोर होता है। और जितनी बड़ी हार्ड डिस्क होगी, क्योंकि उतने बड़े एरिया को मैनेज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से इस ये जो स्पेस है अपना, इसकी भी साइज़ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और ये डिपेंड करता है फाइल सिस्टम के ऊपर। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, आपके पास कोई पेन ड्राइव तो होगी, आप उस पेन ड्राइव को लेना, अपने सिस्टम में अटैच करना और उसको फॉर्मेट करना। फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सीधा जल्दी क्विक फॉर्मेट कर देता है, तो सिर्फ क्या करता है, आपकी पार्टीशन टेबल को क्लियर कर देता है, ताकि आपको फाइल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिले और आप फिर नई फाइल्स को ओवरराइट करते हो। आप जब भी क्विक फॉर्मेट करते हो, आपका डेटा डिलीट नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, ये जो अपने पास पर्टिकुलर फाइल सिस्टम प्रोग्राम था, इसकी जो पार्टीशन टेबल थी जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, वो वाइप हो जाती है। और चूंकि अगर ये वाइप हो गया, ये जो एरिया है जहाँ पे ये फाइल की इन्फॉर्मेशन, ये जो टेबल है, अगर ये डिलीट होगी तो आप किसी भी फाइल को रिट्रीव नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। अगर आप हार्ड डिस्क में एक एक शेल को चेक करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जब फॉर्मेट करते हो तो उसको अपन वापस से रिकवर कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपने कुछ नया डेटा उसमें राइट नहीं करा हो, क्योंकि डेटा डिलीट नहीं होता है। पर क्विक फॉर्मेट की जगह क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मेट करते टाइम पे आप इसको आराम से फॉर्मेट कर सकते हो। जो मैं दिखाता हूँ आपको, इफ़ आई हैव सम पेन ड्राइव हियर, लेट मी चेक, ठीक है। तो मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं सिस्टम में अटैच करता हूँ उसको। यू कैन सी ये जो पेन ड्राइव अपन ने परचेज करी है, इसकी साइज़ कितनी दिखा रहा है, ये 28.6 GB दिखा रहा है आउट ऑफ 32 GB। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है अपना, वो कहाँ पर गया अपने पास, वो अपने फाइल सिस्टम में चला गया। अभी 28.6 GB दिखा रहा है जब आप फॉर्मेट करते हो किसी पेन ड्राइव को, तो क्या दिखाता है अपने को, यहाँ पे फॉर्मेट में बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, क्विक फॉर्मेट कर रहे हो, है ना। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका फाइल सिस्टम क्या होता है, NTFS होता है। तो ऐसे बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं, और अभी अपन जो बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम्स की, इनको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज फाइल सिस्टम्स। जैसे NTFS आपका विंडोज़ के लिए होता है, फेट आप यूज़ कर सकते हो, जब आप लिनक्स में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप XFS यूज़ कर रहे हो या EXT यूज़ कर रहे हो, EXT4 अपन यूज़ करते हैं, या और भी अलग अपने पास क्या होते हैं, अभी कुछ नए आए हैं BRTFS वगैरह करके, तो कुछ अलग अलग अपने पास क्या होते हैं, फाइल सिस्टम्स होते हैं। फाइल्स में मतलब है अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो ये मैनेज करेंगे कि कैसे आप फाइल्स को स्टोर करोगे और कैसे आप फाइल्स को रीड करोगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप फाइल्स के बारे में कलेक्ट करोगे। तो ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से इनकी साइज़ भी क्या होती है, अलग अलग होती है सॉफ्टवेयर्स की, डेटा मेंटेन करने के लिए। तो अभी मैंने NTFS से फॉर्मेट कर रखा है, तो मेरी साइज़ कितनी दिखा रहा है, वो 28.6 GB दिखा रहा है। इसमें डेटा कुछ काम का थोड़ी है, ठीक है, ज़्यादा काम का नहीं है अपने पास। तो अपन इसको कहते हैं फॉर्मेट कर देते हैं, बट टाइम लेगा काफ़ी, क्विक फॉर्मेट टाइम नहीं लगता है। अगर मैं क्विक फॉर्मेट करूँगा, इसका मतलब डेटा डिलीट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, इस पार्टीशन टेबल को डिलीट कर रहा है। ये जो पार्टीशन टेबल अपने बनाई है ना, जहाँ पे फाइल्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ये इस पार्टीशन टेबल को क्लियर कर देगा, डेटा डिलीट नहीं करता ये, तो फटाफट कर देता है ये काम। देखो फ्री कर दिया इसने 28.5 GB फ्री ऑफ 28.6 GB, ये अपने को दिखा रहा है। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना फाइल सिस्टम चेंज करता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये देखो इसने तीन ऑप्शन दे रखे हैं, NTFS, फेट और XFAT, ये तीन विंडोज़ में होते हैं। मैं FAT32 से इसको, अब इसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, है ना। तो आप पढ़ सकते हो कि ये जो अपने पास होता है ना, कि ये अपन फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपका असाइनमेंट है आज का, कि आप पढ़ोगे फाइल सिस्टम के बारे में और इनके बारे में डिटेल में लिखोगे कि कौन से फाइल क्या क्या डिफरेंस है फेट के अंदर और NTFS में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इनमें अलग अलग डिफरेंस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा था, 28.5 GB दिखा रहा था किसके अंदर, NTFS में,
जैसे मैंने फेड से इसको फॉर्मेट किया, क्या दिखा रहा है, 28.6 GB दिखा रहा है। और क्विक फॉर्मेट का मतलब है कि डेटा डिलीट नहीं करेगा, आप इसको अनटिक कर दोगे तो ये आपका डेटा भी डिलीट कर देगा, है ना। और यहाँ पर भी देखो इसने एलोकेशन यूनिट साइज़ दे रखी है, अगर आप एलोकेशन यूनिट साइज़ को चेंज करोगे तो आपकी साइज़ भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अपने फॉर्मेट किया वो उस पर डिपेंड करेगा कितनी एलोकेशन साइज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट अपने क्या यूज़ करना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट अपने को NTFS यूज़ करना चाहिए। अभी मेरे पास अपन इसी पेन ड्राइव को लिनक्स सिस्टम में फॉर्मेट करेंगे ना, तो अभी आपको पेन ड्राइव दिख रहा है, देखो NTFS में फॉर्मेट करते ही अपने पास साइज़ कितनी आ रही है, 28.5 GB आ रही है। अब चूंकि NTFS और फेड जो है वो विंडोज़ के फाइल सिस्टम है, जो आपके पेन ड्राइव को या आपके किसी भी हार्ड डिस्क डिवाइस को, जैसे ये भी NTFS में फॉर्मेटेड है, तो आपके हार्ड डिस्क डिवाइस को मैनेज करने के लिए अपने काम आते हैं। बट लिनक्स में बन जाएंगे तो अपने पास अलग फाइल सिस्टम्स हैं। अगर मैं सेम पेन ड्राइव को लिनक्स में फॉर्मेट करूंगा तो हो सकता है कि 28.5 की जगह मैं 30 GB ऑफ स्पेस यूज़ कर सकूँ पेन ड्राइव से, या अलग तरह से फॉर्मेट करूंगा तो मेरे को कम स्पेस मिलेगा। तो अगेन ये जो अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स अपने पास होते हैं, और ये फाइल सिस्टम ही ये मेंटेन करते हैं कि किस तरह से आप डेटा स्टोर करोगे हार्ड ड्राइव में और कैसे आप डेटा को रीड करोगे। रीड एंड राइट इन पर डिपेंड करता है। तो जो अपनी नॉर्मल अपन बात कर रहे हैं, अभी सेंट्रलाइज फाइल सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, वो सेंट्रलाइज फाइल सेंट्रलाइज स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि अपने पास एक प्योर हार्ड डिस्क होती है, ये अपनी एक सिंगल हार्ड डिस्क है, और इस सिंगल हार्ड डिस्क में अपने पास एक सिंगल क्या होता है, फाइल सिस्टम होता है जो इस पूरी हार्ड डिस्क को मैनेज करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अपने इसको कहीं भी अटैच करते हैं तो अपने पास इसमें देखो दो पार्ट हैं, आप देख रहे हो साफ साफ। तो एक पार्ट तो डेटा स्टोर करता है, जैसे अपन देखेंगे इसमें दो चीज़ें स्टोर होती है, आपके फाइल सिस्टम में क्या स्टोर होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन, और आपकी पेन ड्राइव का जो इन्फॉर्मेशन, जो फाइल्स आपके, जो एक्चुअल डेटा आपका है, वो तो पेन ड्राइव के अंदर कहीं पर स्टोर होता है। जैसे आपने कोई फाइल अपलोड करी, लेट्स से मैंने एक फाइल अपलोड करी, अपन ने बोला कि मेरे पास बिग डेटा डॉट MP4 फाइल है, ठीक है। अपन बोल रहे कि यार इसको मेरे को कहाँ पे अपलोड करना है, एक पाथ दिया अपन ने कि स्लेश के अंदर डेटा के अंदर मेरे को बिग डेटा के अंदर इसको स्टोर करना है, ये फोल्डर है यहाँ पे मेरे को स्टोर करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो अपन देते हैं कि फाइल अपन स्टोर करते हैं, ये ऑपरेशन कहाँ जाएगा, अपने पास अपने फाइल सिस्टम के पास जाएगा, और फाइल सिस्टम क्या करेगा, इसकी एक एंट्री बनाएगा अपनी एलोकेशन टेबल के अंदर, कि एंट्री बनाएगा कि भाई हमारे पास एक फाइल आप डालने की ट्राई कर रहे हो, उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल का नाम है बिग डेटा .MP4। उस फाइल का पाथ क्या है, मतलब जब भी आप इस फाइल को रीड करने की ट्राई करोगे तो आप कौन सी लोकेशन से रीड करोगे, स्लैश डेटा स्लैश बिग डेटा। हालांकि हार्ड डिस्क में इसका कोई मतलब नहीं होता है, जो डेटा आप स्टोर करो ना पेन ड्राइव में, इसमें इस लोकेशन को ही लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ अपने लिए होती है ताकि आप डेटा को क्या कर सको, इफिशियंटली मैनेज कर सको। लाइक बिग डेटा के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको पता है कि यार मेरे पास एक फोल्डर है स्लैश डेटा, उसके अंदर स्लैश बिग डेटा फोल्डर है, तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी हेल्प करती है क्या करने के लिए, फाइल को रिट्रीव करने के लिए आपकी हेल्प करती है, ठीक है। स्टोरेज में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा अपना, ये अपन फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फाइल सिस्टम अपने ये सारा काम करता है। तो नाम स्टोर करेगा फाइल सिस्टम, उसके बाद में इसका पाथ स्टोर करेगा कि आपने कहाँ पर स्टोर करवाया है इसको, स्लैश डेटा के अंदर बिग डेटा में आपने स्टोर करवाया है। उसका आप आगे जाओगे, ये लिखेगा कि यार इसकी साइज़ कितनी है फाइल की, अपने बोला कि यार ये 2 GB की फाइल थी अपने पास, फिर आप बोलोगे कब क्रिएट हुई थी, डेट कौन सी डेट को क्रिएट हुई है, अपने बोला कि यार ये दो, या अपन बोल देते हैं आप कि 7th of November को ये अपडेट हुई है, 7th of November 2020 को हमने इसको अपडेट किया है सुबह 9:30 पर, ये अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। इसका ओनर कौन है, यूज़र कौन है जिसने फाइल क्रिएट करी है, सचिन नाम के यूज़र ने फाइल क्रिएट करी है, इस फाइल पे परमिशंस क्या क्या हैं, कौन कौन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है सिस्टम में, तो परमिशन आ जाती है अपने पास। अगेन आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ लिनक्स क्लास, तो उसमें आप जाके देख लेना कि परमिशन का मतलब क्या होता है। तो परमिशन अगर आप देखोगे तो परमिशन में क्या होता है, अपने पास रीड राइट एग्जिट परमिशन होती है, तो ओनर की परमिशन होती है कि डायरेक्टरी है, ओनर की परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप इसको रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, अदर्स को कोई परमिशन नहीं है। ये अपन बात करेंगे परमिशंस की, ये तीन ब्लॉक्स अपने पास होते हैं कि यूज़र क्या कर सकता है, ओनर क्या कर सकता है, जिसने फाइल क्रिएट करी है, सचिन इस फाइल में, इस डायरेक्टरी में रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, और इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ग्रुप जो है, हो सकता है सचिन ने ये फाइल एज ए कोलाबरेटिव डायरेक्टरी बनाई हो, कि सचिन अब इस फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल लोगों के साथ में काम कर रहा है, तो सचिन क्या कर सकता है, उन लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर सकता है और अलग से परमिशन दे सकता है कि ये लोग भी मेरी डायरेक्टरी में रीड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सचिन ने जो भी ग्रुप बना रखा होगा उस ग्रुप को क्या परमिशन मिलेगी, रीड और एग्जीक्यूट की।
तो ग्रुप नेम क्या है वो भी अपन स्टोर करेंगे, और लास्ट में जो सचिन यूज़र नहीं है और जो सचिन के ग्रुप में नहीं है उसके अलावा जो भी अलग यूजर्स हैं, अदर यूजर्स हैं, उनको क्या परमिशन मिलेगी। तो ये अदर्स की परमिशन अपने पास होती है, और साथ में अपन और भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि ओनर कौन है। ओनर सचिन है, मानो सचिन ने ग्रुप बना रखा है ग्रास, कि ग्रास के लोग इस फाइल को रिटेट कर सकते हैं, तो ग्रुप कौन है, ग्रास है, बाकी सब लोग अदर बन जाएंगे। अब जो मैं ये तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अपने अभी तक स्टोर करी है ना, ये सिर्फ यूज़र के लिए है। सिस्टम के लिए क्या होता है, आईनोड नंबर होता है, ताकि उस फाइल को इनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि ये फाइल 1 2 3 4 5 नंबर की फाइल है। और इस आईनोड के बेसिस पे क्या होता है, लोकेशन स्टोर होती है कि मेमोरी एड्रेस के किस लोकेशन से, इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक एड्रेस, मेमोरी या ब्लॉक एड्रेस, कि कौन कौन से ब्लॉक में फाइल स्टोर हो रही है, ब्लॉक एड्रेस क्या है। जैसे ने ब्लॉक एड्रेस बोला कि ये फाइल ब्लॉक नंबर 1 से लेके ब्लॉक नंबर 100 तक स्टोर हो रही है। अब इसमें ब्लॉक की साइज़ फिक्स होती है, जैसे अभी अपने देखा था ना ब्लॉक साइज़ 16, जब मैं फॉर्मेट कर रहा था तो बता रहा था कि ब्लॉक साइज़ कितनी रहेगी, 16 बाइट रहेगी, 32 बाइट रहेगी, 8 MB रहेगी, तो आप अलग अलग साइज़ के ब्लॉक बना सकते हो। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, ये ब्लॉक एड्रेस होता है। ब्लॉक एड्रेस मतलब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कि जब अपन इस पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करेंगे तो अपने आप नंबर देते हैं कि मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, सेकेंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, फोर्थ, फाइव, ऐसे करके अपन ब्लॉक्स को नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टोर करते हैं कि ये जो फाइल आपकी, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन वाली फाइल है, ये मेटा इन्फॉर्मेशन है, ये फाइल का आईनोड नंबर 1 2 3 4 5 है, और ये फाइल इस ब्लॉक एड्रेस से लेके इस ब्लॉक एड्रेस के बीच में इसका डेटा स्टोर है। तो जब भी आप रीड करने आओगे ना, आप बोलोगे यार मेरे को स्लेस डेटा के अंदर से, बिग डेटा के अंदर से बिग डेटा MP4 फाइल दे दो, तो आप फाइल सिस्टम को बोलोगे, फाइल सिस्टम इस लोकेशन पर जाएगा और डेटा रीड कर लेगा। तो पहले राइट करवाते हैं अपन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन अपन ने राइट करी ना, ये आपकी फाइल सिस्टम में राइट होगी, और जो फाइल सिस्टम में राइट होगी उसे अपन बोलते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पर राइट करी ना, सारी इन्फॉर्मेशन ये, इसे बोलते हैं अपन मेटा इन्फो। ये कंटेंट नहीं है फाइल का, ये फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो मेटा डेटा किसे बोलते हैं अपन, डेटा अबाउट डेटा, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा, जिसमें डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन रखी हुई हो। तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन है, आपका डेटा क्या है, फाइल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आपका एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल डेटा है, लेकिन ये सिर्फ उसकी, उस डेटा की इन्फॉर्मेशन है कि उसका नाम क्या है, पाथ क्या है, ओनर कौन है, ग्रुप कौन है, परमिशन क्या है, और वो मेमोरी में कहाँ पर स्टोर हो रहा है। अगर इस डेटा की हम बात करें कि सपोज करो मेमोरी में इन सारे ब्लॉक्स को यूज़ कर रहा है, तो ये फाइल इन सारे ब्लॉक्स में रखी हुई है, तो बेसिकली इन ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करी है इस मेटा डेटा के अंदर। तो ये जो फाइल है, एक्चुअल में जो फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है, वो कंटेंट आपका हार्ड डिस्क में यहाँ पे स्टोर होगा, इसको बोलते हैं अपन दिस इज़ आवर कंटेंट, या इसको हम बोलते हैं ब्लॉक, ब्लॉक डेटा, क्या बोलते हैं इसको अपन, ब्लॉक डेटा, और आप इसको बोल सकते हो ये अपना एक्चुअल कंटेंट है, और इसे हम बोलते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन या मेटा डेटा। मेटा इन्फो बोल सकते हो या मेटा डेटा बोल सकते हो, कि दिस इज़ आवर मेटा डेटा, जो फाइल इस डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये अपना एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल कंटेंट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेटा। तो यहाँ से आपको ब्लॉक डेटा के बारे में पता चलता है कि ब्लॉक्स क्या होते हैं और मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और ये अपना बहुत सिंपल सिस्टम है, मतलब अभी तक अपन सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात नहीं करी है। तो आपकी जो पेन ड्राइव है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, उनमें जो डेटा स्टोर होता है, रिट्रीव होता है, वो इसी तरह से होता है, उनके पास अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे अपन फाइल सिस्टम बोलते हैं, और वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर जितनी फाइल्स आपने स्टोर करी है उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है या मेटा डेटा होता है। और जो डेटा एक्चुअल डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में कहीं ना किसी लोकेशन पे स्टोर होता है, और उसका एड्रेस आपके इस मेटा इन्फॉर्मेशन में स्टोर होता है। तो अभी जब अपने क्विक फॉर्मेट किया था ना, तो क्विक फॉर्मेट में अपने सिर्फ इस टेबल को साफ कर दिया था, यहाँ से ये जो टेबल थी ना अपने बना रखी थी कि नेम, फाइल्स का नेम क्या है, पाथ क्या है, एड्रेस क्या है, अपने इस टेबल को डिलीट कर दिया। अगर आप इस टेबल को डिलीट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट करने के बाद भी अगर आप सेल बाय सेल जाके चेक करोगे तो आपको डेटा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि डेटा तो कहाँ रखा हुआ था, अपना ब्लॉक्स में रखा हुआ था। अगर आप एक एक ब्लॉक को जाके चेक करोगे तो आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो फॉर्मेट करने के बाद भी। और अगर आपने क्विक फॉर्मेट नहीं किया है, आपने कंप्लीट फॉर्मेट किया है पेन ड्राइव को, तब क्या होता है, तब एक्चुअल में अपन एक एक सेल में जाके डेटा को ओवरराइट कर देते हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, ताकि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अपनी उसको कोई क्या नहीं कर सके, रिट्रीव नहीं कर सके। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हैकर्स होते हैं, अगर आपने कोई मूवीज़ देखी है हैकिंग वगैरह की इनकी, वो क्या करते हैं, हार्ड डिस्क या जो भी डिवाइस वो यूज़ करते हैं उस डिवाइस को वो ड्रिल करके या सैंडविच टोस्टर के अंदर डाल के उसको उड़ा देते हैं पूरा, वो छोड़ते नहीं है डिवाइस को, फेंकते भी नहीं है। क्यों, उनको पता है कि अगर उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्टोर करी, अगर ये ड्राइव किसी के हाथ में लग गया, एक्सपर्ट के हाथ में, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक जाके क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। फॉर्मेट करने पे भी 100% गारंटी नहीं होती कि अपना डेटा डिलीट हो।
ठीक है, बट आपको यहाँ पे एक स्टोरेज सिस्टम पता चल रहा है। आज तक आप स्टोरेज कैसे देखते हो कि फाइल अपलोड कर दी, रीड कर दी, लेकिन एक्चुअल में पीछे ये सब कुछ हो रहा होता है। और ये समझना जरूरी है एज ए बिग डेटा, क्योंकि अपन सबसे पहले स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि ये तो अपना सेंट्रलाइज स्टोरेज है, अपन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे स्टोर करेंगे। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास एक पेन ड्राइव है ही नहीं, और सब पेन ड्राइव अलग अलग काम करेगी, तो उनसे तो एक साथ काम कराना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अपन बात करेंगे अब डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की। अगर सेंट्रल स्टोरेज में किसी को प्रॉब्लम है, या ये जो वर्किंग मैंने बताई पेन ड्राइव की, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपना आगे चलता है। ठीक है, बताओ फटाफट क्या होगा, वो इश्यू है यहाँ तक? एनी डाउट किस तरह से चीजें वर्क कर रही है अपनी? ओके, तो किसी को डाउट नहीं है आई होप, गुड। तो अपन आगे चलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की, कि जो हाई वॉल्यूम डेटा है अपना, उसको स्टोर करने के लिए क्या लॉजिक लगाया गूगल वालों ने, फिर बाद में हडूप में किस तरह से उसको इनबिल्ट किया गया। तो जो पहला अपना चीज़ है वो अपना है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, कि स्टोरेज की जो बिग डेटा की प्रॉब्लम थी कि हमारे पास हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा है, उसको सोल्व करने के लिए अपन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी अपने पास। और ये स्टोरेज कैसे काम करेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है अपने पास। देखो, अपन ने भी बोला कि अपने पास दो मेन पार्ट होते हैं जब आप डेटा की बात करते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, कोई भी फाइल, डेटा का मतलब है फाइल्स आपको स्टोर करनी है, तो उसमें दो चीज़ें होती है फाइल्स में। एक तो उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा होता है जो कि उस फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि फाइल का नाम क्या है, ठीक है, फाइल का ओनर कौन है, परमिशन क्या है, कब क्रिएट करी गई थी, सारी इन्फॉर्मेशन। दूसरा होता है उसका ब्लॉक डेटा, ब्लॉक डेटा यानी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंटेंट जो अपना बेसिकली होता है फाइल के अंदर आपने क्या लिखा है, वो चीज़ अपना ब्लॉक डेटा होता है। अब इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो अपने सेंट्रलाइज सिस्टम थे, उनमें हर एक डिवाइस के अंदर ही, सेम डिवाइस के अंदर ही आपका क्या होता है, मेटा डेटा भी सेम डिवाइस में स्टोर होता है, ठीक है, और आपका जो ब्लॉक कंटेंट है वो भी सेम डिवाइस में स्टोर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे सपोज करो, मेरे को एक फाइल मैंने अपलोड करी, 10 टेराबाइट उसकी साइज थी, एक बड़ी फाइल है, 10 टेराबाइट की फाइल है, उसमें सेम कंटेंट लिखा हुआ है। सपोज करो 10 टेराबाइट का वीडियो है कोई, उसको अपलोड करना है अपने को, तो वो फाइल आप अपलोड करोगे और आप प्रोसेस करोगे। 10 टेराबाइट तो काफ़ी छोटा छोटी फाइल है बिग डेटा के हिसाब से, पेंटाबाइट और जेटाबाइट सब फाइल्स की अपन बात करते हैं। तो इस 10 टेराबाइट फाइल को आपको स्टोर करना है, आपके पास 10 टेराबाइट का तो हार्ड डिस्क ही नहीं है, आप इस डेटा को स्टोर कहाँ पे करोगे? आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो आपको अपना स्टोरेज सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना फाइल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आपका आज का असाइनमेंट रहेगा फाइल सिस्टम, तो उसमें हर फाइल सिस्टम की अपने क्या होती है, लिमिटेशन होती है। जैसे NTFS है, तो उसकी लिमिट है कि वो 2 टेराबाइट या 4 टेराबाइट तक का डेटा एक्सेस कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है, स्टोर कर सकता है। फेट का आप देखोगे तो उसका और कम है, शायद 2 टेराबाइट या 2 टेराबाइट भी नहीं हो, इतनी ही बड़ी हार्ड डिस्क को वो मैनेज कर सकता है। तो जो फाइल सिस्टम होते हैं उनकी कैपेसिटीज होती है, और यहाँ पे अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स की, तो इसके लिए अपने अलग से फाइल सिस्टम बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स। इनके बारे में पढ़ना कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पढ़ा था वो ओपन स्टैक में पढ़ा था, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक फ्रेमवर्क है,
वहाँ पे क्लाउड में डेटा आपका कैसे स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर होता है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था ग्लस्टर फाइल सबसे पहले। हडूप में अपन पढ़ते हैं HDFS, जो अपना सबसे मेन कंपोनेंट है, एच बेस है ना, इनको अपन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज बोलते हैं। तो ये अपने पास ऐसे बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं, तो मैंने दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम करते हैं, काम कैसे करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आपको डेटा स्टोर करना है 20 TB का, लेकिन आपके पास जो एक हार्ड डिस्क है वो सिर्फ 2 TB की है ना। तो आप क्या करोगे, आप 2 TB की हार्ड डिस्क खरीद सकते हो। तो आपने क्या किया, 2 2 TB की बहुत सारी हार्ड डिस्क खरीद ली। तो मेरे को 10 TB स्टोर करना है, तो एटलीस्ट मेरे को कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, मेरे को 5 हार्ड डिस्क तो एटलीस्ट चाहिए। मैं ज़्यादा भी खरीद सकता हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, तो कोई लिमिट नहीं है। आज 10 TB की जरूरत पड़ती है, मैंने 5 हार्ड डिस्क अटैच कर दी, अगर कल मेरे को 100 TB की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 50 हार्ड डिस्क अटैच कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। तो अभी तो अपने 4 5 हार्ड डिस्क अपन ने अलाइन करी, कि मैंने 5 हार्ड डिस्क लिया, 6 हार्ड डिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी ले लो, 7 8 10, मैं वो 10 TB डेटा स्टोर करना है। मैंने बहुत सारे हार्ड डिस्क लिए, लेकिन इनमें मैं सिर्फ क्या स्टोर करूँगा, इनमें सिर्फ मैं ब्लॉक डेटा स्टोर करूँगा। ये मेरा फिक्स रूल है कि इनमें अपन सिर्फ ब्लॉक इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, और इन फाइल्स में जो डेटा स्टोर करेंगे अपन, उसकी जो मेटा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी फाइल कौन सी हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, इनको नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, नंबर देते हैं, कुछ भी दे दो, कि अपनी हार्ड डिस्क नंबर 1 है, ये हार्ड डिस्क नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अपन इसको नाम दे सकते हैं कि अपना नोड 1 है, ऐसे दे दो, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, ये अलग अलग हार्ड डिस्क है, और इनको अपन एक साथ अटैच कर देंगे आपस में यूजिंग नेटवर्क डिवाइसेस। तो अटैच करेंगे अपन, तो पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा अपना, ठीक है, जिसमें सारी हार्ड डिस्क अटैच हैं। अपने पास क्या होते हैं, आपके पास अलग से डिवाइसेज आते हैं, अलग से आप जाके जाओगे ना इंटरनेट पे, अमेजन में सर्च करोगे कि आपको एक डेटा सेंटर बिल्ड करना है, उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए, तो आपको अलग से क्या मिलेंगे, सिर्फ स्टोरेज के लिए आपको अलग से एक डिवाइस मिलेगा, फिजिकल डिवाइस मिलेगा, जिनको अपन बोलते हैं रैक। क्या बोलते हैं, रैक्स बोलते हैं। बात करेंगे अपन रैक्स की, इसके भी डेफिनेशन में अपन बोलते हैं रैक, कि एक रैक मिलेगी आपको पूरी, उसमें जगह होगी कि आप मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो एक सिंगल डिवाइस मिलेगा, उसमें आपने 5 10 हार्ड डिस्क लगा दो, 2 2 TB की, और वहाँ से आप एक आपको USB केबल मिलेगी, जिसको आप अपने सिस्टम में अटैच कर सकते हो। तो आप क्या कर पाओगे, आप एक साथ 20 TB डेटा अपने सिस्टम में प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि वो उसने सबको एक साथ एक हार्ड डिस्क की तरह वो ट्रीट करेगा। और इसके लिए एक और चीज़ आप पढ़ सकते हो स्टोरेज के अंदर, ये जो मैं बोला ना, पढ़ सकते हो, 5 दिन बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, आप इनको पढ़ो, डिस्कस करो, और ये नॉलेज आपकी काफ़ी हेल्प करेगी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इन इस तरह की जो हार्ड डिस्क होती है, मल्टीपल हार्ड डिस्क है, इनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, और सिस्टम को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम। तो होता ही है, एक और होता है, एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, अगर फिजिकली अपन बात करें कि फिजिकल हार्ड डिस्क है, इनको मैनेज करना है, तो उसके लिए अपन एक रेट सिस्टम डिजाइन करते हैं, RAID, ठीक है, ये स्टोरेज से रिलेटेड है। और अगर आप आपकी थ्योरी में भी आया होगा, अगर आप BTech कर रहे हो या BCA कर रहे हो, कभी भी आपने कोई भी कोर्स किया है कंप्यूटर के अंदर, तो आपने रेड के बारे में पढ़ा होगा। रेड का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है, तो रिडंडेंट का मतलब है जो डेटा कॉपी नहीं करेगी, तो अपन बोलते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो बहुत सारी डिस्क को मिला के अपन अटैच कर देते हैं, ये एरे बन गया एक, है ना, एरे की तरह है, जैसे लिस्ट बनाते ना अपन, कि 0 नंबर का मेरे पास डिवाइस है, ये 1 नंबर का मेरे पास हार्ड डिस्क है, ये 2 नंबर की हार्ड डिस्क है। तो इस तरह से अपन एरे की तरह अपन ने मल्टीपल हार्ड डिस्क को अटैच कर दिया आपस में, ठीक है, ये अपनी सारी क्या है, सारी सारी इंडिपेंडेंट हार्ड डिस्क थी, इनको एज ए एरे, इंडिपेंडेंट डिस्क को अपन ने एज ए एरे एक रिडंडेंट एरे बना दिया अपन ने इसको। ये अपना स्टोरेज के लिए काम आता है, एप्लीकेशन वगैरह के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी पुराना तरीका है रेड, जिसके थ्रू अपन मल्टीपल हार्ड डिस्क को क्या करते थे, मैनेज करते थे। और इसी रेड के हिसाब से आपको क्या मिलता है, ये रैक्स मिलती है, कि रेड लेवल 0 है, रेड लेवल 1 है, रेड लेवल 2 है, आपके डेटा सेंटर मैनेज करने के लिए या आपके डेटा को मैनेज करने के लिए। तो आप पढ़ोगे कि रेड 0 का मतलब क्या होता है, रेड 2 का मतलब क्या होता है, और यहीं से दो चीज़ें आपको और मिलेगी, रेप्लिकेशन और स्ट्रिपिंग, दो कंसेप्ट आपको मिलेंगे, रेप्लिकेशन एंड स्ट्रिपिंग। ये दो कंसेप्ट होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके भी बात भी करेंगे अपन आगे, कि रेप्लिकेशन वाला होता है कॉपी बनाना,
कि आपका डेटा लॉस नहीं हो। जैसे मेरे पास कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेटा रखा हुआ है, तो उसको मैं अपने लैपटॉप में रखूँगा, साथ ही साथ में अपने 3-4 दोस्तों के लैपटॉप में भी कॉपी करके रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा लैपटॉप या मेरी हार्ड डिस्क खराब हो तो मेरा वो डेटा लॉस हो जाए। तो उसकी सिक्योरिटी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसकी कॉपीज़ बना के रखूँगा। तो इसको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन, कि जब आप किसी डेटा की या किसी हार्ड डिस्क की एज इट इज़ कॉपी बना के रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिका, है ना। और रेप्लिकेशन हडूप के अंदर अपन रेप्लिकेशन करते हैं ताकि डेटा अपना लॉस नहीं हो। दूसरा कंसेप्ट होता है अपना स्ट्रिपिंग, ठीक है। स्ट्रिपिंग क्या होता है? स्ट्रिपिंग का मतलब होता है कि अपन डेटा को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड की जो बात कर रहे हैं अपन, कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की आप बात करते हो, वो अपना स्ट्रिपिंग होता है ना। उसे अपन स्ट्रिपिंग की तरह यूज़ कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेशन, आप जो अपन डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट को अपन स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं, कि आपके पास एक बड़ी फाइल है, 1 GB की फाइल है, आप 1 GB फाइल को एक साथ स्टोर नहीं करोगे, आप उसके छोटे टुकड़े बना लोगे, ठीक है। आपने बोला कि यार इस फाइल के मैंने छोटे टुकड़े बना लिए, कि मेरे पास 100 MB डेटा है, ये 100 MB डेटा है, ये 100 MB डेटा है, ऐसा करके आपने फाइल के 10 टुकड़े बना लिए, 100 MB करके, और उन 10 टुकड़ों को आप अलग अलग स्टोर कर रहे हो, कि मेरी हार्ड डिस्क 1 में जा रहा है, या हार्ड डिस्क 2 में जा रहा है, हार्ड डिस्क 3 में जा रहा है, हार्ड डिस्क 4 में जा रहा है, इस तरह का लॉजिक होता है अपना। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिपिंग, कि डेटा को अपने स्ट्रिप कर दिया, अपने स्ट्रिप फंक्शन पढ़ा है ना, आगे पीछे से क्या कर देता है, वो कैरेक्टर्स को साफ कर देता है पाइथन के अंदर। वैसे स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, कि बेसिकली आपकी एक सिंगल फाइल है, उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं और अलग अलग हार्ड डिस्क में स्टोर कर देते हैं। इसी को अपन डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलते हैं, कि अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फाइल को, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर क्या आ गया, यहाँ पे पर्टिकुलर अपने पास 6 डिवाइसेज अपने पास आ गए। अब 6 डिवाइस के बाद में अपन बात करें कि ये 6 ब्लॉक डिवाइसेज हैं, और यहाँ पे अपने पास एक सेंट्रल डिवाइस रहेगा। सेंट्रल मतलब जो इनको मैनेज करेगा, इसको अपन बोलते हैं, जैसे पहले तो मास्टर स्लेव चलता था, आई थिंक अब मेरे को भी चेंज करना पड़ेगा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, कि सारे हार्ड डिस्क अपने स्लेव हार्ड डिस्क हैं, इनको हम बोलते हैं स्लेव हार्ड डिस्क, ठीक है। मजदूर रहे हैं, इनमें कंटेंट स्टोर होगा, और इन सारे हार्ड डिस्क को मैनेज कौन करेगा, ये अपनी जो मास्टर हार्ड डिस्क है इनको मैनेज करेगी। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, कि अपनी प्राइमरी हार्ड डिस्क है मास्टर की जगह, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स चेंज होने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो डेफिनेटली अपने को मास्टर यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। तो अपन प्राइमरी बोल सकते हैं, कि अपनी प्राइमरी डिवाइस है, और ये अपनी सेकेंडरी डिवाइस है, स्लेव की जगह क्या बोल देंगे अपन, सेकेंडरी। हडूप वालों ने भी चेंज कर ही दिया होगा आई थिंक, लेट अस चेक। आर्किटेक्चर में जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी है, इनको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड्स अपन यूज करते हैं, अपाचे हडूप डॉट अपाचे डॉट ओ आर जी, ये ऑफिशियल साइट है हडूप की, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि हडूप में क्या डेवलपमेंट चल रहा है या क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अपने साइट को ओपन किया, हडूप अपाचे, हडूप डॉट अपाचे डॉट ओ आर जी, तो ये अपनी हडूप की साइट है, अपाचे हडूप। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन हडूप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है करेंटली, तो अपन अभी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं अपने पास, है ना। और ये प्रोजेक्ट्स हैं अपने पास, जैसे अंबारी, HBase वगैरह, इन सब की अपन बात करते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है अपने पास, तो इनका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं अपन, वहाँ से अपने पता चल जाएगा कि इन्होंने अपना टर्मिनोलॉजी चेंज करी है नहीं करी है, इन्होंने सर्वर और क्लाइंट बोला है नहीं बोला है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है अपने को, प्रिपेयर हडूप क्लस्टर स्टैंड अलोन सूडो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये इंस्टॉलेशन के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे अपन आज DFS के आंकड़े को पढ़ते हैं बेसिकली एक बार, ठीक है। नेम नोड डेटा नोड बोल रहे हैं ये, मास्टर स्लेव तो इन्होंने कहीं यूज़ नहीं किया होगा, हमारे मास्टर, देखो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यूज़ किया हुआ ना, कि डेटा नोड और नेम नोड पे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अभी टाइम लगेगा टेम्पलेट चेंज करने में, क्योंकि अचानक से चेंज कर देंगे तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो जिस तरह से लोग काम करते हैं, वो अपना टोटली चेंज हो जाएगा। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो ये वर्ड्स अपने चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन ये बात कर रहे थे कि ये जो अपना मास्टर है, इसको हम बोलते हैं मास्टर, और इनको हम बोलते हैं स्लेव्स, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, इनको प्राइमरी सेकेंडरी बोल दो आप, ये प्राइमरी है अपने पास और ये सेकेंडरी है, तो बट मास्टर स्लेव ज़्यादा बेटर वर्ड था, चेंज करना पड़ेगा नियर फ्यूचर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। अब इसका मतलब क्या है, कि जो अपने एक साथ स्टोर कर रहे थे, एक ही जगह पर अपने स्टोर कर रहे थे, कि हार्ड डिस्क में अपन इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर कर रहे थे, कंटेंट यहाँ स्टोर कर रहे थे, आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ स्टोर करोगे। मेटा इन्फो यानी ये जो 10 TB की फाइल आप अपलोड कर दो, इस 10 TB की फाइल का नाम क्या है, कौन सी लोकेशन पर स्टोर करना है, कब क्रिएट करी गई थी, साइज़ कितनी है, ठीक है, कहाँ से, मतलब जो भी परमिशन से, क्या क्या परमिशन है इसके ऊपर, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। और देखो इसको 1 TB का हो तो भी चलेगा,
क्योंकि इसको सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 10 TB की फाइल है, उसकी इन्फॉर्मेशन 1 KB की होगी, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 1000 डिस्क ऐड कर दूँ ना, 1000 2 TB की डिस्क ऐड कर दूँ, तो ये 1 TB ही काफ़ी होगा उनकी मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, या 2 TB ही काफ़ी होगा उनकी मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो कि 16 GB डेटा को मैनेज करने के लिए अपने को सिर्फ 1.4 GB की नीड पड़ती है ना। एक अपन बात करें 32 GB को प्रोसेस करने के लिए अपने को 2.3 GB की नीड पड़ती है। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे कि 1 TB की आप हार्ड डिस्क खरीदते हो तो उसमें आपको 100 GB के आसपास की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 1000 GB डेटा को मैनेज करने के लिए, उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ अपने को 100 GB स्टोरेज ज़रूरत पड़ती है अपने को। तो उस हिसाब से ये जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी कम डेटा में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। अब इसमें क्या होगा कि इस फाइल की मेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, और जो कंटेंट है, जो ब्लॉक है, वो यहाँ पर स्टोर होगा। यानी अपने को 10 TB डेटा स्टोर करना है, तो जो इसकी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो इन इन डिवाइस पे स्टोर होगी, और इसकी कौन सी डिवाइस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है ये अपने मेटा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे को 10 TB स्टोर करना था, तो फाइल यहाँ पर आई, ये बोलेगा ठीक है यार, ये 10 TB की फाइल है, इसको अपन एक साथ स्टोर नहीं कर सकते, इसकी मेटा इन्फॉर्मेशन अपन अपडेट कर लेते हैं। और अपन बोलते हैं इसको कि भाई आप क्या करो, आपकी फाइल को टुकड़ों में तोड़ दो, क्योंकि मेरे पास एक साथ आप 2 TB ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इस तरह से आर्किटेक्चर डिजाइन होता है कि आपके 10 TB फाइल को अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट्स में? अपन 5 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम अपन 2 TB ही स्टोर कर सकते हैं। वैसे 5 पार्ट्स में अपन नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा अपनी ब्लॉक साइज़ पर, ध्यान देना। यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, ब्लॉक साइज़। ब्लॉक साइज़ का मतलब क्या होता है? ब्लॉक साइज़ का मतलब होता है कि एक ब्लॉक कितनी साइज़ का होगा आपका, एक ब्लॉक जो आप स्टोर करोगे फाइल का, उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे, और उन ब्लॉक के हिसाब से अपन फाइल को तोड़ते हैं। जैसे अभी मैंने फॉर्मेट किया था, तो मैंने 8 MB दे दिया, तो इसका मतलब है अगर मैं कोई 1 GB की फाइल देता हूँ मैं अपनी पेन ड्राइव को स्टोर करने के लिए, तो पेन ड्राइव क्या करेगी, उसको 8 8 MB के छोटे छोटे ब्लॉक पे तोड़ देगी और एक एक ब्लॉक को जाके स्टोर करेगी। तो इसी तरह से अपनी ब्लॉक साइज़ होती है। हडूप की ब्लॉक साइज़ बाई डिफॉल्ट आपकी 128 MB होती है ना। और इससे पहले जो हडूप 1 था उसमें 64 MB होती थी, तो हडूप वर्जन 1 में 64 MB थी, हडूप वर्जन 2 और 3 में उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 128 MB कर दिया गया। और इसका मतलब क्या है, अगर आपको 10 TB की फाइल स्टोर करनी है हडूप में, तो हडूप क्या करेगा, इस फाइल के छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा 128 128 MB के। पर समझाने के लिए 128 MB में तो कितने सारे टुकड़े बन जाएंगे अपने 10 TB फाइल के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले रहा था, इजी एग्जांपल ले रहा था समझाने के लिए। तो अपने बोला कि जो ब्लॉक साइज़ है वो 2 TB मेरी ब्लॉक साइज़ है, तो क्या करेंगे अपन, ये जो अपनी सिंगल फाइल थी, इस सिंगल फाइल को अपन ब्लॉक में तोड़ देंगे, कि 2 2 TB के कितने ब्लॉक बना देंगे, 5 ब्लॉक बना देंगे, कि 0 1 2 3 4 और 5, ये 5 ब्लॉक डेटा बन गया अपना, ठीक है। एक ब्लॉक अपना 2 TB का है। और फिर ये क्या करेगा, बोलेगा मेटा इन्फॉर्मेशन, बोलेगा ठीक है आप क्या करो, जो 0 ब्लॉक है इसको आप नोड 3 पे अपलोड कर दो, जो 1 ब्लॉक है इसको आप नोड 2 पे अपलोड कर दो, जो 2 ब्लॉक है इसको आप नोड 4 पे अपलोड कर दो, जो 3 ब्लॉक है इसको नोड 6 पे अपलोड कर दो, और जो आपका 4th ब्लॉक है इसको आप नोड 1 पे अपलोड कर दो, और जो आपका 5 है उसको आप नोड 5 पे अपलोड कर दो। ये अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। अब देखो आपके अलग अलग ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो मैं अलग अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ उनके लिए, ताकि अपने समझने में ईजी रहे। तो अपन को 5 कलर्स यूज़ करने, इधर से यूज़ कर लेते हैं अपन पहले ली यहाँ से। तो मैंने फर्स्ट कलर लिया, ये अपना फर्स्ट ब्लॉक है 0 ब्लॉक। इस 0 ब्लॉक को ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको, मेटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आप क्या करो, जो पहला ब्लॉक है आपका 0 ब्लॉक है, ठीक है, जो आपका 0 ब्लॉक है, इस 0 ब्लॉक को आप अपलोड कर दो कहाँ पे, अपने नोड नंबर 3 पे अपलोड कर दो। तो जो नोड नंबर 3 है अपना, ये नोड 3 रहा, इस नोड 3 पे अपन इस ब्लॉक को अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये जो येलो कलर का ब्लॉक है ये अपना ब्लॉक 0 रहेगा, तो ये अपने ब्लॉक 0 यहाँ पे नोड 3 पे अपलोड कर दिया। फिर अपना ये फाइल सिस्टम बोल रहा है, मेटा इन्फॉर्मेशन ये इसको स्टोर कर लेगी इस तरह से, ये मेटा इन्फॉर्मेशन बोल रहे कि जो आपका ब्लॉक 2 है, उस ब्लॉक 2 को आप स्टोर करो कहाँ पे, इस ब्लॉक 1 को आप स्टोर करो आपके नोड नंबर 2 पे। तो जो नोड नंबर 2 है अपना, इस पे जाके अपन इसको स्टोर कर लेंगे, इस 2 TB डाटा को अपन यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, जो अपना नोड ब्लॉक 2 है, सॉरी ब्लॉक 1 है, उस ब्लॉक 1 को अपन यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ये अपना ब्लॉक 1 आ गया, इससे पहले अपना ब्लॉक 0 था। जो ब्लॉक 2 आएगा अपना, ये बोलेगा ब्लॉक 2 का आप कहाँ स्टोर करो, जैसे अपन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि ब्लॉक 2 को आप स्टोर करो नोड 4 के ऊपर, तो जो ब्लॉक 2 है अपना
इस ब्लॉक टू को अपन स्टोर करेंगे अपने नोड फोर पे, यानी फोर्थ हार्ड डिस्क पे अपन स्टोर करेंगे। तो नोड फोर पे यहाँ पे अपन ब्लॉक टू को स्टोर कर देंगे। ये जो ब्लॉक टू था फाइल का, वो फाइल ब्लॉक टू में अपन स्टोर करेंगे। इसका रेप्लीकेशन भी होता है, उसके बाद चाहे अपन बाद में कर लेंगे। जो नोड थ्री है अपना, नोड थ्री जो ब्लॉक थ्री है उसको नोड सिक्स पे स्टोर करना है। तो जो अपना ब्लॉक थ्री है इसको अपने को नोड सिक्स पे स्टोर करना है। तो नोड थ्री को अपन ब्लॉक नोड सिक्स पे स्टोर करेंगे। तो नोड सिक्स ये रहा, यहाँ पे अपना ब्लॉक थ्री से आके स्टोर हो जाएगा। यानी एक फाइल है उसको अपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन। और उस डिस्ट्रीब्यूशन को अपने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दिया, अलग अलग हार्ड डिस्क में अपने स्टोर कर दिया। फिर फोर्थ आ रहा है अपना, फोर्थ के लिए अपन बोलेंगे कि जो फोर्थ आ रहा है आपका, इस फोर्थ डिवाइस को आप नोड वन पे स्टोर कर रहे हो। तो नोड वन पे जाएंगे अपन, तो वहाँ पे जाके अपन इस फोर्थ ब्लॉक को स्टोर कर लेंगे। और जो फिफ्थ ब्लॉक है अपना, उस फिफ्थ ब्लॉक को स्टोर करने के लिए अपन यूज़ करेंगे नोड फाइव का। तो जो फिफ्थ ब्लॉक है फाइल का, ये फिफ्थ ब्लॉक अपना नोड फाइव पे जाके स्टोर हो जाएगा। वैसे अपन ज़्यादा ब्लॉक ले लिए, 10 TB ज़्यादा ब्लॉक ले लिए, 10 TB में चार ही ब्लॉक लगेंगे, तो सिर्फ नोड फोर तक की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, फाइव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चार ही ब्लॉक होंगे। पाँच पार्ट में तोड़ेंगे अपन, जीरो से स्टार्ट कर रहे तो चार ही ब्लॉक होंगे। यानी ये चार ब्लॉक मिला के एक फाइल बना रहे हैं पूरी। जो आपकी 10 TB की फाइल थी वो इन चारों ब्लॉक्स को मिला के बनेगी, लेकिन चारों ब्लॉक अलग अलग स्टोर होंगे। और इन जो ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे अपलोड होगी, आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन में अपडेट हो जाएगी कि आप जो फाइल ले रहे हो, ये जो फाइल आपने अपलोड करी है 10 TB की, इस फाइल की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इन अलग अलग हार्ड डिस्क डेटा रीड करना पड़ेगा। तो देखो अपने क्या किया, अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ब्लॉक फोर, ब्लॉक वन, ब्लॉक फाइव, ब्लॉक सिक्स, जो भी अपने यूज़ किए उनमें अपन ने फाइल को ब्रेक करके अलग अलग नोट्स पे स्टोर कर दिया। अब उनमें लिमिटेशन नहीं है, आपको कितने बड़ा डेटा स्टोर करना हो, चाहे टेराबाइट करना हो, चाहे पेंटाबाइट करना हो, चाहे हेक्साबाइट करना हो, आप मास्टर नोट बढ़ाते जाओगे और साथ में आप अपने स्लेव नोट्स को बढ़ाते जाओगे। कितनी बड़ी फाइल स्टोर करनी हो आप आराम से स्टोर कर सकते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। तो जो स्टोरेज की प्रॉब्लम थी उसको इस तरह सोल्व किया गया कि एक अपने पास क्या होगा, मास्टर नोड होगा, बाकी अपने स्लेव नोड होंगे। मास्टर नोड पे अपन मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे जैसे फाइल सिस्टम में होती है, और ये मास्टर नोड बाकी सारे स्लेव नोड को मेंटेन करेगा। तो जो स्लेव नोड्स हैं वहाँ पे आपका कंटेंट स्टोर होगा, और इसकी जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी फाइल का कंटेंट कौन कौन से नोड पे स्टोर है, वो आपके मास्टर नोड पे अपडेटेड रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। और इसमें इनका नाम भी देते हैं अपन, जैसे ये नाम तो काफ़ी अच्छा है, इससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे बोलते हैं अपन नेम नोड। नेम नोड यानी नेम वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है अपना, तो उसको हम बोलते हैं नेम नोड। और जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जहाँ पे अपन डेटा स्टोर कर रहे हैं, इनको हम बोल देते हैं डेटा नोड्स। हडूप के अंदर इनको ये बोलते हैं अपन। तो हडूप के अंदर नेम नोड और डेटा नोड का कंसेप्ट है, तो ये अपने डेटा नोड्स हैं। सो अलग अलग डेटा नोड्स अपन यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ये सारे के सारे डेटा नोड हैं। नेम नोड एक ही होता है अपने पास, डेटा नोड बहुत सारे हो सकते हैं। हडूप वर्जन 3 में आपके नेम नोड भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हडूप वर्जन 1 और 2 में नेम नोड एक ही होता था। हडूप वर्जन 3 में नेम नोड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर अभी के लिए अपन देखें तो अपने पास डेटा नोड्स हैं, डेटा नोड्स बहुत सारे हैं। डेटा नोड पे क्या स्टोर होता है, डेटा नोड पे कंटेंट स्टोर होता है, नेम नोड पे मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जो मेटा डेटा स्टोर होता था ये अपना कहाँ पे होता है, नेम नोड पे। नोड का मतलब समझ रहे हो ना, डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और डेटा नोड यानी कि वो डिवाइस जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं अपन, तो ये नेम नोड और डेटा नोड अपन बोल देते हैं। और ये जो आर्किटेक्चर होता है इसको हम बोलते हैं HDFS आर्किटेक्चर, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पढ़ा, हडूप भी इस तरह से स्टोर करते हैं। हडूप ने ये जो मास्टर नोड था अपना, इसको तो क्या बोल दिया, नेम नोड, और जो स्लेव नोड थे उनको क्या बोल दिया, डेटा नोड्स। लेकिन ये जो आर्किटेक्चर मैंने बताया वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का था, चाहे क्लस्टर FS पढ़ो चाहे कोई भी FS पढ़ो, सब में इसी तरह से फॉलो होते हैं। लेकिन जो हडूप है, हडूप ने क्या बोला है, हडूप में अपन HDFS यूज़ करते हैं, जो पहला कंपोनेंट है हडूप का, फर्स्ट कंपोनेंट अपना HDFS है। HDFS अपन यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, पहली प्रॉब्लम वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसमें एक अपना नेम नोड होगा, मेन नेम नोड, और बाकी अपने क्या होंगे, डेटा नोड्स होंगे, ठीक है ना। ये क्लियर है सबको, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होते हैं, किस तरह से अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। HDFS को अपन डिटेल में और पढ़ेंगे, HDFS के बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ाया अभी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अपना पूरा चैप्टर है। एक चैप्टर अपना पूरा HDFS का है, एक चैप्टर पूरा अपना मैप रिड्यूस का आएगा, एक चैप्टर अपना यान का आएगा। ये तीनों सबसे बेसिक कंपोनेंट है हडूप के, उसके बाद
एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आएंगे जो कि डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए अपनी हेल्प करेंगे, डेटा स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, मशीन लर्निंग के लिए अलग अलग टूल्स अपन सीखेंगे। बट जो सबसे मेन है, जिनको हम बोलते हैं कोर, कोर ऑफ हडूप, हडूप कोर में अपने पास तीन सबसे मेन कंपोनेंट है, और उनमें सबसे पहला कंपोनेंट अपना HDFS, जो काम करता है डेटा को स्टोर करने का, और कैसे स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर करता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। कुछ भी पूछना है किसी को तो बताओ। हाँ ठीक, कुछ कोई कुछ नहीं पूछना किसी को, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूट स्टोरेज था ना, अब अपन कंपटीशन की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कंपटीशन क्या होता है। डेटा तो अपन स्टोर कर लेंगे, अब अपन उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग के बारे में अपन बात करते हैं। सॉरी, थ्री तो ऑलरेडी है, फोर ऑलरेडी है, फाइव या स्टीम इज लॉग था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपटीशन की, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपटीशन। सेकंड प्रॉब्लम कि लार्ज वॉल्यूम में उसको प्रोसेस कैसे करोगे, डेटा को रिट्रीव कैसे करोगे, उस पर कोई भी प्रोग्राम कैसे अप्लाई करोगे, वेराइटी को कैसे प्रोसेस करोगे। तो अपन बात कर रहे हैं कंपटीशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपटीशन, सेकेंड प्रॉब्लम। और डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटेशन में अपने पास क्या आता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि डेटा अपना सेंट्रलाइज स्टोर नहीं है। जैसे कंप्यूटेशन में बात करते हैं, सेंट्रलाइज कंप्यूटेशन क्या था कि आपके पास एक सेंट्रल डेटाबेस है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, और उस डेटा को प्रोसेस करना है आपको, तो आपने अलग से क्या बना रखा है, एक अलग से आपने एक सर्वर बना रखा है जो आपका कंप्यूटेशन डिवाइस है। ठीक है, अब अगर आप अलग डेटा रखा हुआ है, जैसे अलग डेटाबेस है, तो पहले क्या होता था कि डेटा प्रोसेस करना है तो ये अपना सर्वर है, ये डेटा को प्रोसेस करेगा, जो भी प्रोग्राम चलेगा वो इस सर्वर पर चलेगा। कोई भी क्लाइंट है, क्लाइंट को डेटा प्रोसेस करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, यार ये मेरा प्रोग्राम है, इसको मेरे को रन करना है पर्टिकुलर डेटा सेट पर, तो उस प्रोग्राम को सबमिट करेगा सर्वर पे, सर्वर प्रोग्राम बोलेगा यार मेरे को इस डेटाबेस से डेटा रीड करना है। तो डेटा अपन कहाँ लेके आएंगे, पहले सर्वर पे लेके आएंगे, सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करेगा अपनी रैम में। ठीक है, अगर रिजल्ट यूजर को चाहिए वो रिजल्ट यूजर को भेजेगा, अगर राइट करना है तो वापस कहाँ जाकर राइट करेगा, स्टोरेज में जाकर राइट कर देगा। ऐसे ही इस वाले से रीड करना तो रीड करेगा और वापस जाकर राइट कर देगा। तो इसका मतलब क्या होता था कि अपन क्या करते थे, डेटा ट्रेवल करता था। अपना डेटा कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, डेटा जस्ट ट्रेवल टू द कंप्यूट, जो अपना ट्रेडिशनल प्रोसेस है। उस ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या होता था, अपने पास अपन डेटा मूवमेंट होता था कि जो भी डेटा सेट है आपका, उस डेटा को आप यहाँ से उठाते हो, और जो सर्वर है जहाँ पे डेटा प्रोसेस करना है वहाँ पे अपन डेटा लेके जाते हैं। ठीक है, और यही तो सबसे बड़ा कॉस्ट है, दिस इज कॉल्ड IO ऑपरेशंस, है ना, कि ये इनपुट ऑपरेशन है कि अपने को इनपुट चाहिए प्रोग्राम में, तो अपन यहाँ से डेटा रीड करेंगे जहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, उस स्टोरेज डिवाइस से अपन डेटा लेके आएंगे कहाँ पे, जहाँ पे अपन उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, जहाँ पे अपना क्या लगा हुआ है, कंप्यूटेशन सिस्टम लगा हुआ है। फिर अपन प्रोसेस करेंगे, राइट करना है तो वापस अपन जाके कहाँ राइट करेंगे, जो स्टोरेज डिवाइस है वहाँ पर राइट करेंगे आउटपुट। और चूंकि बिग डेटा में अपन बहुत बड़ा डेटा की बात कर रहे हैं, और एक सेंट्रल सिस्टम, ये अपना सेंट्रलाइज सिस्टम, एक ही सिस्टम था अपने पास, तो यहाँ पे अगर 1 GB डेटा है तो आप कर लेते हो कि ठीक है यार, 1 GB डेटा को नेटवर्क में मैंने डाउनलोड किया, प्रोसेस किया और अपलोड कर दिया। ठीक है, टाइम लगेगा यहाँ पे अपना काफ़ी सारा, 80% टाइम में बात कर रहा था, इसमें जाएगा आपने
हाई ऑपरेशन में जाएगा, वो तो जाएगा जाएगा, लेकिन अपन ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि अपना अगर सर्वर हाई एंड सर्वर है तो फटाफट उसको प्रोसेस कर लेगा, नेटवर्क की स्पीड काफ़ी अच्छी है, आपने 10 Gbps का क्या लगा रखा है, स्विच लगा रखा है कि 10 GB/s वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और ये हार्ड डिस्क भी काफ़ी क्विक हार्ड डिस्क है, तो आप 1 सेकंड के अंदर इस डेटा को रीड करके, और हाई एंड सर्वर है तो प्रोसेस करके राइट कर सकते हो। लेकिन अगर 1 GB की जगह 1 PB डेटा बन गया, फिर क्या होगा, बस 1 PB डेटा होगा, आप नेटवर्क में ट्रेवल नहीं करवा सकते हो, करवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी नेटवर्किंग की भी, और दूसरा प्रोसेस की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी, पता चलेगा कि पूरी लाइफ टाइम लग जाएगी, आज अपने कोड रन किया, 50 साल बाद कोड अपना आंसर अपने को रिटर्न कर रहा है कि 1 PB डेटा पे आपने कोई स्क्रिप्ट रन करी उसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है, रीड राइट करना है, साथ में प्रोसेस भी करना है, तो वो नहीं कर पाएगा, सेंट्रलाइज सिस्टम में काम नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल कंप्यूटेशन। और ये पहले डेटाबेस होते थे, उनको इस तरह से डिजाइन किया गया था, बाद में अपने पास डेटाबेस के भी टाइप होते हैं, अपने को आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी मिलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन ये एक इफिशियंट तरीका नहीं है, तो इफिशियंट तरीका क्या है अपना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, लेकिन ये तभी सपोर्ट करेगा जब आपका डेटा क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेडली स्टोर हो। तो अभी अपन वापस बात करते हैं अपने डेटा की, कि HDFS में अपने डेटा कैसे स्टोर किया था, तो मैं इसके यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाता हूँ कि अपन HDFS में डेटा कैसे स्टोर किया, तो मैं सिर्फ डेटा आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, डेटा को अपन रेड कलर में बना देते हैं, डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो अपन बोला कि अपने पास एक एक स्टोरेज डिवाइस था जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेम नोड बोल रहे हैं, और ये नेम नोड क्या करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन रखेगा, मेटा इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हमारे पास जो कंटेंट स्टोर होगा, हमने बहुत सारे क्या लगा रखे हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना है, तो हमने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस हैं जो अलग अलग लोकेशन पे लगे हुए हैं, अलग अलग हमने हॉरिजॉन्टली स्केल कर रखा है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं कि हमारे पास Node 1 है, Node 2 है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमने लगा रखे हैं स्टोरेज के, जिन पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा क्या स्टोर होगा, कंटेंट या ब्लॉक स्टोर होगा, ब्लॉक स्टोरेज अपन इसको बोलते हैं, ठीक है, कि जो भी ब्लॉक डेटा है वो हमारा यहाँ पे नोड्स पे आके स्टोर होगा, और ये अपन क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं डेटा नोड्स, क्योंकि इन पे एक्चुअली डेटा रहता है, नेम नोड पे इन्फॉर्मेशन रहती है डेटा की, तो उसे हम बोलते हैं कि जो भी नेम वगैरह है डेटा का वो नेम नोड पे रहेगा, और जो कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट है, वो डेटा नोड पे रहता है, तो जो डेटा नोड्स हैं अपने पास, इन सबको अपन डेटा नोड्स बोलते हैं। ठीक है अरे मेरी एक्चुअली नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, लाइट चली गई है, तो मैंने वापस ज्वाइन किया मोबाइल नेटवर्क से, आप स्क्रीन व्यू कर पा रहे हो, स्क्रीन विजिबल है आपको, स्क्रीन विजिबल है बट वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही मेरी, आप लोगों को रेस्पॉन्स करो फटाफट, ताकि अपन ओके, वो एक्चुअली मोबाइल नेटवर्क स्विच किया ना, तो थोड़ा सा तो इशू अपने को फेस करना पड़ेगा, लेट्स वेट, अब तक लाइट आ रही है बट स्क्रीन विजिबल है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अपने यहाँ पे नेम नोड और डेटा नोड से डेटा कैसे होता है, तो जो भी कंटेंट आप स्टोर कर रहे हो वो आपका डेटा नोड पे आपका स्टोर होगा, ठीक है, ये अपना आर्किटेक्चर था। अब एक्चुअली अपने डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, तो डेटा को प्रोसेस करना है अपने को, तो किस तरह से प्रोसेस करेंगे, अपने को डेटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटेशन चाहिए, कंप्यूटिंग अपने को डिवाइस चाहिए, तो अपने यहाँ पे रैम और सीपीयू चाहिए, कंप्यूट बोलते हैं अपने इसको, नोड पे कुछ कहते हैं कि अपने लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि पहले इस डेटा नोड से डेटा रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर
फिर इससे रीड करेगा प्रोसेस करेगा, फिर इससे रीड करेगा प्रोसेस करेगा, फिर इससे रीड करेगा प्रोसेस करेगा, तो उसको लाइफ टाइम लग जाएगा इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो सेंट्रलाइज अप्रोच अपनी काम नहीं करेगी, सेंट्रल कंपटीशन अपना काम नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको कंपटीशन को भी। तो अपन क्या करते हैं, जैसे हडूप क्या बोलते हैं, हडूप ये बोलते हैं कि मूव कंप्यूटेशन, ठीक है, मूविंग ये कंसेप्ट है हडूप का, कि मूविंग कंप्यूटेशन इज चीपर देन मूविंग डेटा। चीपर का मतलब है बहुत सारे केसेस में चीपर बोल रहे हैं, जैसे आपके परफॉर्मेंस के अंदर चीपर है, जैसे टाइम की बात कर रहे हैं अपन तो टाइम काफ़ी कम लगेगा, डेटा मूवमेंट कर रहे हो आपको अपना सर्वर मेंटेन करना है उसमें कम टाइम लगेगा, तो इसकी अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, हर एक नोड पे, हर एक स्टोरेज के साथ में ही एक कंप्यूट नोड भी सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना जो ब्लैक बॉक्स दिखा रहा है, ये ब्लैक बॉक्स के अपने पास कंप्यूटेशन डिवाइस है, हम बोल सकते हैं कि 512 GB रैम का सिस्टम है और i7 के 32 कोर्स का CPU लगा हुआ है इनमें, ये जो कंपटीशन अपना। तो ये हर एक ब्लैक ब्लू नोड है अपना इस तरह से कंपटीशन को प्रोसेस कर रहे हैं, और ये डेटा यहाँ से इससे अटैच कर दिया अपन ने, हर एक डिवाइस से अपन अटैच कर दिया। यहाँ से डेटा रीड करेगा, राइट करेगा, डेटा रीड करेगा, डेटा राइट करेगा, डेटा रीड करेगा, डेटा राइट करेगा, इसे अपन डेटा लोकेलिटी भी बोलते हैं, डेटा लोकेलिटी। तो ये डेटा लोकेलिटी कंसेप्ट होता है। डेटा लोकेलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप डेटा प्रोसेस करोगे, आप जहाँ पे आपका डेटा है वहीं पे आप उसको प्रोसेस करोगे, क्योंकि वहीं पे क्या लगा रखा है आपने, उसको प्रोसेस करने के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर, या सॉरी अपना एक क्या लगा रखा है, हार्डवेयर लगा रखा है, कंप्यूट डिवाइस लगा रखा है, तो उसको वहीं पर कंप्यूट करेगा। और इनको अपन नेम नोड डेटा नोड ही बोलते हैं, कि ये अपना नेम नोड ही है, बाकी अपने डेटा नोड्स है। जरूरी नहीं नेम नोड पर कंप्यूट कंप्यूट अपना अलग हो सकता है, सेपरेट है, पर इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अपन इसको बोल देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है कि ये सारे डिवाइस को मैनेज कैसे करेंगे, जैसे अपन ने बात करी थी ना कि अपने पास एक नेम नोड है जो क्या करेगा, मेटा इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगा, और डेटा नोड्स हैं जो क्या करेंगे अपने ब्लॉक कंटेंट को मेंटेन करेंगे। वैसे ही जो अपना कंप्यूट डिवाइस है, दिस कंप्यूट डिवाइस व्हाट इट विल डू, इसमें भी अपने को दो तरह से मैनेज करना पड़ेगा, कि जो एंड यूजर है वो तो सबसे अलग अलग बात नहीं कर सकते हैं, जैसे ये डेवलपर है ना, दिस इज अ डेवलपर, इसको कोई स्क्रिप्ट रन करनी है तो ये तो किसको सबमिट करेगा, एक डिवाइस को अपनी कोड सबमिट करेगा अपना, कि भाई ये मेरा कोड है, ये मेरा एप्लीकेशन बोलते हैं अपन कोड को, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा कि मेरे को इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, मेरे को इस एप्लीकेशन पे कोड रन करना है, ये कोड रन करना है, डेटा पर रन करना है, लेकिन डेटा तो अलग अलग रखा हुआ है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे अपन, तो उसके लिए अपने को अलग से डिजाइन करना पड़ता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी रहता है अपने पास, लेयर्स रहती है अलग अलग, किस तरह से अपने को कनेक्ट कर रखा है नेटवर्क के अंदर, कि सारे डिवाइस कनेक्टेड है और ये भी इसी नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स होती है अपने पास। तो लेयर में अपन क्या बात करेंगे कि ये जो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इसको हम बोलते हैं मास्टर एप्लीकेशन, मास्टर एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या काम है कि जो आपकी जॉब सबमिट हो रही है, ये उस जॉब के रिगार्डिंग जो भी डेटा चाहिए उसके लिए बात करेगा नेम नोड से, और ये पता करेगा कि जो प्रोग्राम आपको रन करना है वो किस किस नोड पे जाके रन होना चाहिए, कौन कौन से नोड पे डेटा रखा हुआ है जिसको प्रोसेस करना है आपके प्रोग्राम को, और फिर ये आगे बात करता है कि उसको रिसोर्स चाहिए, रैम चाहिए, सीपीयू चाहिए, तो आगे जाके डेटा नोड वगैरह से बात करेगा। तो इसका एक अलग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके हम बात करेंगे, पर एक मास्टर एप्लीकेशन होती है जो आपके कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी, तो उसको मेंटेन करेगी कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, क्या 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 कौन कौन से नोड पर लॉन्च करना है, कैसे कैसे काम करना है। फिर मास्टर एप्लीकेशन क्या करेगी, ये अपने छोटे छोटे किसको लॉन्च करेगी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लॉन्च करेगी। तो मास्टर एप्लीकेशन अपना ये क्या करेगी, ये अलग अलग नोड पे जाके अपने अलग अलग कंप्यूटेशंस को रन करेगी, कि यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा, यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा, यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा, यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा। तो फिर मास्टर एप्लीकेशन है ये अपना स्लेव एप्लीकेशन है, ठीक है, दिस इज योर स्लेव्स। तो जिस नोड पर जरूरत पड़ेगी उस नोड पर ये अपने कंप्यूटेशन भी कैसे होगा, डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कि आपने एक प्रोग्राम भेजा था यहाँ पे, जैसे मानो मैंने एक स्क्रिप्ट भेजी थी काउंट डॉट पी वाई जिसको रन करना है, अब वो स्क्रिप्ट कौन कौन से नोड पर रन होनी चाहिए, उस स्क्रिप्ट के जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा रखा हुआ है इस वाले नोड पे, इस वाले नोड पे,
डेटा रखा हुआ है, इन दो नोड पे मेरे को डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी मास्टर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो अपनी मास्टर एप्लीकेशन है, वो मास्टर एप्लीकेशन क्या करेगी, अपने स्लेव एप्लीकेशन को लॉन्च करेगी, और उस जगह लॉन्च करेगी जहाँ पर डेटा रखा हुआ है। तो इसने दो स्लेव एप्लीकेशन लॉन्च करी, एक तो यहाँ पर इसने लॉन्च किया कि यहाँ पर डेटा रखा हुआ था, एक इसने यहाँ पर लॉन्च किया, और ये जो प्रोग्राम अपने इसको दिया था काउंट डॉट पी वाई, ये यहाँ पर इसको प्रोग्राम देगी काउंट डॉट पी वाई कि आप यहाँ पर इसको रन करो, और यहाँ पे प्रोग्राम देगी काउंट डॉट पी वाई बोलेगी यहाँ पे इसका रन करो। तो ये जो मास्टर एप्लीकेशन है अपनी, इस मास्टर एप्लीकेशन इस तरह से क्या करना पड़ेगा, जितने भी स्लेव एप्लीकेशन हैं इनको मैनेज करना पड़ेगा, फिर ये इनको कोड दे देगी, वो कोड यहाँ पर आ जाएगा काउंट डॉट पी वाई का, काउंट डॉट पी वाई का, ये एप्लीकेशन अपने डेटा में जाएगी, रीड करेगी, प्रोसेस करेगी, ये डेटा में जाएगी, रीड करेगी, प्रोसेस करेगी। लेकिन चूंकि देखो ये अलग अलग नोड है, डेटा एक साथ नहीं है, ये अपनी अलग एप्लीकेशन है, ये अपनी एक अलग एप्लीकेशन है, अलग डेटा है अपने पास है, दोनों ने कंबाइन नहीं किया, तो फिर ये भी क्या करेगी, अपना डेटा कहीं और नोड पर राइट करेगी, ये एप्लीकेशन डेटा अपना कहीं और नोड पर राइट करेगी, यहाँ पर इनका फाइनल आउटपुट राइट होगा। और क्योंकि अपने को इस आउटपुट को कंबाइन भी करना है ना, क्योंकि अपन ने जो कोड रन किया था वो तो पूरे डेटा पर रन किया था, आधे डेटा को अपने इधर से मैनेज किया, आधे को इधर से मैनेज किया, कंप्लीट आउटपुट अपने पास यहाँ पर आया, इसको वापस से अपन प्रोसेस करते हैं, तो वापस से एक नई एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च होती है जो इनके आउटपुट को क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एंड यूजर को सबमिट करेगी। तो इसमें जो डिजाइनिंग रहेगी, कोडिंग रहेगा, कोडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी अपने को, है ना, ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ इस कंप्यूटेशन के आर्किटेक्चर में चेंज करने का काम हो जाएगा, नहीं, जो डेवलपर है उस डेवलपर को भी अपने स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, उसको भी कंप्यूटेशन के लिए अलग तरह से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, अलग तरह से लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसके लिए जो लॉजिक लिखेगा डेवलपर उसे बोलते हैं अपन मैपरिड्यूस लॉजिक, और ये जो फ्रेमवर्क है इसको बोलते हैं अपन मैपरिड्यूस फ्रेमवर्क, ठीक है, ये आर्किटेक्चर अपना मैपरिड्यूस आर्किटेक्चर होता है। अब मैपरिड्यूस क्या होता है, आप साफ साफ देख रहे हो कि पहले तो अपने एक बार एप्लीकेशन में एक कोड रन किया जो अलग अलग नोड पे डिस्ट्रीब्यूटेडली रन कर रहा था, फिर इन नोड पे जो अपन डेटा रन किया है, जो कोड रन किया है, उन कोड का आउटपुट अपन ने किसी और नोड पे कलेक्ट किया, और बाद में जो आउटपुट आया उस पर अपन ने वापस एक कोड रन किया, उसको अपन ने वापस से प्रोसेस किया, उस प्रोसेसिंग को अपन क्या करेंगे, एंड यूजर को रिजल्ट सबमिट करेंगे। यानी जो अपने काउंट वाली एप्लीकेशन दी है काउंट डॉट पी वाई, इसमें आपको दो कोड लिखने पड़ेंगे, एक कोड आप लिखोगे मैप वाला जो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक, ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या जो भी प्री प्रोसेसिंग आपको करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन को आप प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हो, जो भी डेटा की प्री प्रोसेसिंग आपको करनी है, वापस आपका एक होगा रिड्यूस लॉजिक। रिड्यूस लॉजिक क्या करेगा, वो आपका एग्रीगेशन करेगा, एग्रीगेशन यानी कंबाइन करेगा रिजल्ट्स को और आपका रिजल्ट निकालेगा, बेसिकली जो भी रिजल्ट है, जो आपका मोटिव है, वो अपना रिड्यूस निकालेगा। तो होता क्या, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट डॉट पी आई फाइल कॉपी करी, यहाँ पे काउंट डॉट पी आई फाइल कॉपी नहीं होगी, काउंट डॉट पी आई फाइल अपन किसको देंगे, अपने मास्टर को देंगे, और मास्टर क्या ढूंढेगा, उसमें दो कोड ढूंढेगा कि मैप कोड कौन सा है, रिड्यूस कोड कौन सा है, यानी पहले मैप वाला कोड रन करना है, और जो मैप के आउटपुट आएंगे उन सारे आउटपुट को कंबाइन करना है, और फिर मेरे को रिड्यूस वाला कोड लॉन्च करना है। ये अपना काम रहेगा किसका, मास्टर एप्लीकेशन का। तो मास्टर एप्लीकेशन पहले मैप वाला कोड उठाएगी काउंट डॉट पी आई फाइल में से, और जहाँ पे डेटा रखा हुआ था इस नोड पर, इस नोड पर डेटा रखा हुआ था जिसको प्रोसेस करना है, वहाँ पे उस मैप कोड को सबमिट कर देगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अपना मैप कोड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैप वाला काम होगा, यहाँ पर भी अपना मैप वाला काम होगा, स्लेव नोड पे मैपिंग होगी, डेटा रीड करेगा, डेटा को एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेगा, और इस मैप का आउटपुट कहाँ जाएगा, अपने इस इंटरमीडिएट नोड पे जाएगा, इस मैप का आउटपुट अपना इस इंटरमीडिएट नोड पे जाएगा, और जब ये दोनों आउटपुट चले जाएंगे तो हमें रिजल्ट निकालने के लिए दूसरे कोड रन करना पड़ेगा, जो कि कौन सा कोड है, रिड्यूस वाला कोड है, जो कि मैप के बाद रन करेगा और कंबाइंड रन करेगा। तो यहाँ पे अपन फिर रिड्यूस वाला लॉजिक रन करेंगे, और रिड्यूस वाले कोड का जो आउटपुट है वो अपन ने अभी तो यूजर के पास भेज दिया सीधा, आप अगर स्टोर करना है तो इसके आउटपुट का आप किसी और नोड पर जाके स्टोर कर सकते हो, डेटा का आपको स्टोर करना है आप किसी नोड पर जाके डेटा स्टोर करवा सकते हो, अगर आपका आउटपुट डेटा स्टोर करेगा। डिटेल में बात करेंगे अपन मैप रिड्यूस की, चैप्टर आएगा, जैसे अपन एचडीएफएस नहीं पढ़ा है पूरा, वो डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी अपन सिर्फ टर्म्स के बारे में समझ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होता है। तो ये अपना एक एग्जांपल है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अपना एक एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से अपन काम करते हैं। तो जो कोडिंग प्रिंसिपल है अपना, इस कोडिंग प्रिंसिपल को भी अपन चेंज करेंगे, ठीक है, वी विल चेंज दिस कोडिंग प्रिंसिपल ऑल्सो।
कि अपने को कोड में दो तरह के लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा जैसे अपन मैप कोड बोलेंगे, और जो अपना रिजल्ट निकालेगा एग्रीगेशन होगा वो रिड्यूस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सोचना पड़ेगा डेवलपर एज ए डेवलपर कि भाई डेटा एक साथ नहीं रखा हुआ है कि अपने सीधा प्रोसेस करके रिजल्ट निकाल दिया, डेटा अलग अलग रखा हुआ है। तो पहले एक कोड जाएगा अपना मैप वाला, वो अलग अलग नोड पर जाकर रन करेगा, और उसका जो आउटपुट आएगा वो एक सिंगल नोड पर आएगा जहाँ पर फिर अपने को अपना जो फाइनल कोड है, जो लॉजिक वाला कोड है, रिजल्ट वाला कोड है, रिड्यूस वाला कोड है, उस कोड को रन करेंगे जिससे अपना कंबाइंड रिजल्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और फिर अपन उसको आगे प्रोसेस करेंगे। अपन कुछ स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं और इसका भी एक डिटेल्ड पूरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे अपन कि मैपिंग में कैसे काम होता है, रिड्यूसिंग में कैसे काम होता है, वो अपना मैपिंग चैप्टर में आएगा। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्लियर है सबको? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्लियर है? कुछ पूछना है डाउट तो बड़ा बड़ा डाउट पूछो। ठीक है, फिर अपन आगे कुछ पूछना है तो बताओ। पहले से पहले पहले आपने सिस्टम इंस्टॉल करना, सभी सिस्टम में स्टडी में काफी अच्छे से बात कर रखी है कि इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। और वापस से मैंने इन सबको समझा रखा है, सर आवाज नहीं आ रही है। आपको आई थिंक कोई इशू फेस नहीं होगा, अभी मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप फिर नहीं समझेंगे कि फेस होगा। कुछ बोल